नाम प्रेम है, सबसे एंड में मैं इंट्रोड्यूस होऊंगा। नमस्ते हसन मियां। नमस्ते। ये मेरा परिवार है, जिनको आप देख रहे हैं इस वक्त पर्दे पर। जो नर हैं, वो मेरे पिता हैं, और जो मादा हैं, वो मेरी माँ हैं। मेरे पिता को वो करने की बहुत बुरी आदत है, हाँ भूलने की। आइए आपको प्रूफ दिखाता हूँ। नमस्ते, नमस्ते। इसमें आपका वो है, शादी में स्वागत। आइए अंदर और वो रखिए गिफ्ट। नहीं, वो तशरीफ रखिए। आइए आइए। नमस्ते। क्या बात है। अरे दम मालूम है, दम ही नहीं है, और केसर मलाई में केसर नहीं है। अच्छा अच्छा क्या भाई, टेस्ट कर रहा था मैं। हाँ
देखिए टेस्ट करते करते क्या हो गया। ये मेरे बड़े चाचा और जो बगल में उनकी बैठी है वो मेरी बड़ी चाची। क्या बात है, बड़ा फुदक फुदक के नाच रहे हो। क्यों, इतना तो अपनी शादी में भी नहीं नाचे थे। अरे ये दूसरों की खुशी है, वो खुद खुशी थी। खुद खुशी, खुद खुशी, खुद की खुशी में कोई नाचता है? खुद खुशी नहीं। और ये है मेरे छोटे चाचा और उनकी पत्नी छोटी चाची। देखो भाइयों, उसकी वो में वो रह जाएगी तो बहुत वो हो जाएगी। क्या वो में वो रह जाएगी, मतलब शादी की तैयारी में कमी रह गई तो बदनामी हो जाएगी। डोंट वरी भाई साहब, सब ठीक हो जाएगा। श्योर श्योर। इन तीनों भाइयों में बहुत प्रेम है, राम लक्ष्मण और भरत की तरह। और कोइंसिडेंटली इनके नाम भी हैं राम लक्ष्मण और भरत। बाय द वे मेरा वो कहा है, वो खंबा? नहीं नहीं भाई साहब, दिन में नहीं, शादी बिगड़ जाएगी। नहीं, खंबे से जरा लंबा ना वो दूल्हा, वो तो अंदर है। दूल्हा नहीं, वो बच्चा। और शादी नहीं हुई तो बच्चा कहाँ से हो जाएगा यार? मेरा ब्रेन। कहाँ है वो नालायक? नहीं नहीं भाई साहब, नालायक मत बोलिए, उसी की वजह से शादी हो रही है। अगर वो नहीं समझाता तो खुशी यहाँ कैसे करती? बिल्कुल। अरे भाई साहब, ये गौरव खुशी से मिलने 2 मिनट के लिए गया था, आधा घंटा हो चुका है, जरा देखिए ना क्या हो रहा है, मुहूर्त निकला जा रहा है। अच्छा, ये जश्न हमारे पड़ोसी पाठक साहब की बेटी की शादी की खुशी में हो रहा है, जिसका कोइंसिडेंटली नाम भी खुशी है। खुशी बेटा, खुशी कहाँ हो तुम? दामाद जी, अरे दामाद जी, ये सब क्या हो गया, किसने किया ये सब? खुशी कहाँ है? भाग गई। भाग गई? अपने आशिक के साथ भाग गई। आशिक? कौन आशिक? आपके पड़ोसी द कपूर्स, उनका चहीता लाडला कुत्ता कमीना बेटा प्रेम। नशा प्यारे, नशा सबसे नशीला है, जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बारिश गीला है, इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है। मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। लड़कों का नशा प्यारे, नशा सबसे नशीला है, जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बारिश गीला है, इश्क के नाम पे सभी अब रास लीला है। मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। लाके लाके है सिंपल सा ये फॉर्मूला, है लव का फंडा खोखला, मुझे बस प्यास तो ये दिल कूल 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 रहता है। किसी का हाथ थाम के कहता है, इसे पीने से है मतलब, जो यौवन संतरीला है, फर्क पड़ता है क्या बाहों में मुन्नी है या शीला है। इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है। मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। मजा उतना नशीला है, चलेगा जो भी है, आंखों का रंग काला या नीला है। इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है। मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। गुड़ियों का नशा प्यारे, नशा सबसे नशीला है, जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बारिश में गीला है। इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है। मैं करूँ
करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं 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 करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। डॉक्यूमेंट्स रेडी, विटनेस यस रेडी, दुल्हन रेडी, दुल्हा वो भी रेडी, तो फिर साइन कीजिए जी। जितनी शादियां मैंने करवाई हैं, उससे ज्यादा मैंने तुड़वाई हैं। और आप दोनों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों को फ्यूचर में मेरी जरूरत बहुत पड़ेगी। मैं जानता हूँ प्यार अंधा होता है, लेकिन शादी सबकी आंखें खोल देती है। आपकी आंखें खुल गईं? मेरी आंखें तो अभी तक बंद हैं। 3 शादियां कर चुका हूँ और चौथी करने के ताक में हूँ। अरे यार, ये कैसा आदमी है। चलो चलो, नहीं चाहिए आपका कार्ड। सर सर, कार्ड तो ले जाइए सर। ये कौन है? शादी का ट्रायंगल। देखिए भाई साहब, इनकी जबरदस्ती शादी कराई जा रही थी और अरे छोड़ो यार, शादी तो मेरी जबरदस्ती कराई जा रही थी। क्या? मैं यही बोलने आया था खुशी को कि मैं किरण से प्यार करता हूँ, लेकिन इसने मुझे बोलने ही नहीं दिया। मेरे सर पे डंडे मार मार के मुझे बेहोश कर दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा भाई साहब। स्टॉप इट गौरव, स्टॉप इट। हमें तो इन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। अगर ये खुशी को नहीं भगाते तो हम भी नहीं मिल पाते। से थैंक्स किरण। Hi, how are you doing? Hi. Nice to meet you. अरे तुम दोनों जल्दी आओ ना यार, शादी करवाओ प्लीज, मुझे डाइवोर्स करवाने जाना है। चलो। हमारी फ्लाइट का भी टाइम हो गया, चलते। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर यार। थैंक्स। प्रेम भैया। व्हाट? प्रेम भैया, एवरीवन इनसाइड पाठक शिटिंग पेट्रोल। Shitting? Shitting, sofa. Oh, sitting. Yes. You parking bike? I'm going to see how who's shitting. आ गया। आग लगा लूँगा, भस्म कर डालूँगा अपने आप को। रात भर से यही ड्रामा चल रहा है, ना खुद सो रहे हैं ना हमें सोने दे रहे हैं। जब थोड़ा सूखती है फिर अपने आप को गीला कर लेते हैं पेट्रोल डालकर। अरे पाठक साहब, अगर आपको जलने का इतना शौक है तो बाहर जाके गार्डन में जलिए ना, हमारा मकान क्यों जला रहे हैं? हाँ एग्जैक्टली। देखा, मेरे घर को आग लगाकर अपने मकान की फिक्र कर रहा है। डाई मार के छीनो ना। चुप। एक तो तुमने वो काम कर दिया। गलत। दूर, 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 दूर। आग लगा लूंगा मैं अपने आप को। भाई साहब, दूर, दूर, दूर। भाई साहब, खुशी से मैं आपकी बेटी ही नहीं इसकी दोस्त भी है। जरूर इसने राजू में कुछ खूबियां देखी होंगी, मुझे पूरा विश्वास है। जिस दिन आप उन्हें खुश देखेंगे ना, हाँ, तो आप उन्हें माफ कर देंगे। हाँ। मेरी जिंदगी में वो दिन कभी नहीं आएगा, और मेरी जिंदगी में दिन ही कितने बाकी बचे। एक मिनट। अबे हाँ, ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है ना, तो आइए साइड में। सुसाइड कर लूंगा मैं, सुसाइड कर लूंगा। धमका किसको रहे आप? मैं आपकी हेल्प करता हूँ ना। लाइटर है किसके पास? नहीं है मेरे पास। हेल्प की क्या बात कर रहे थे? डीप फ्राई होने के लिए हेल्प करता ना। अबे अबे क्या कर रहा तू? अबे ये क्या है? क्या कर रहा है? एक पाठक साहब कम हो जाएंगे दुनिया से किसी को फर्क पड़ेगा? नहीं, ये दुनिया बंद हो जाएगी। ये क्या? लाइटर जला के हुक मार के पाठक साहब को जला दूं। इस लड़के का कुछ वो करना चाहिए। नमस्ते गुरुजी। आओ आओ राम, बैठो बैठो। देखो राम, प्रेम ने दो दिलों को मिला के
बड़े पुण्य का काम किया। गुरुजी उसने तो भाई साहब और बाठक जी की इतनी पुरानी दोस्ती खत्म करवा दी। बिल्कुल, प्रेम तो अपनी शादी के बाद शुरू होने से पहले वो कर देता है। क्या बोलते उसको? खत्म खत्म कर देता है। देखिए, पिछले महीने गुरुजी ने आपके यहाँ कुतिया भिजवाई थी ना? अरे बड़ी प्यारी है, सबका मन लगा के रखती है। और जो दो नौकरानियां भिजवाई थी काम के लिए, नैना सुनैना? अरे बड़ी प्यारी बच्चियां हैं, लेकिन उनसे थोड़ी शादी कराएंगे प्रेम की। अरे वैसे ही गुरुजी ने प्रेम के लिए दुल्हन ढूंढ ली है। राम मेरा कहा मानो तो मल्होत्रा है ना, अमेरिका वाले, उनकी बेटी प्रेम के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। हाँ, वो फूलन देवी। फूलन देवी? फूलन केवल स्वभाव से, दिल की बहुत अच्छी है। नाम है उसका पूजा। क्या बात है, एक वही लड़की है जो प्रेम को सुधार सकती है। गुरुजी फिर आप उसमें वो क्यों कर रहे हैं? अब अशुभ काम में देरी। देरी क्यों? हाँ तो कल ही वो आ रही है बैंकॉक अपनी सहेली की शादी पे। अगर प्रेम को पसंद आ जाए तो सोने पे सुहागा। गुरुजी, प्रेम को पसंद हो ना हो, बस पूजा ही हमारे घर में वो बन के आएगी। क्या बोलते हो? दुल्हन। दुल्हन, दुल्हन बन के, दुल्हन बन। हेलो करण, कब से फोन ट्राई कर रही हो तुम्हारा? अच्छा ये बताओ, शादी का क्या हुआ? शादी से तुम्हें भाग गए हो, लेकिन मेरे पासपोर्ट उन लोगों के पास है। What? अरे नया पासपोर्ट बनाने के लिए कम से कम 10-15 दिन लग जाएंगे। लेकिन इतने दिन में क्या करूँगी, ये लोग मुझे ढूंढ लेंगे। सुनो, बाद में फोन करती हूँ। हेलो हेलो, Hi Pooja, need to be trapped somewhere? No, thank you. Prem and his uncle are coming to fetch me. Okay. Prem, पूजा तो 3 नंबर से आने वाली है, हम लोग 7 नंबर पे क्यों खड़े? ये तो गेम प्लान है। अरे फेंक क्यों रहा है? पूजा हमें पहचानेगी कैसे? यही तो मैं चाहता हूँ कि नहीं पहचाने। क्यों? ये क्या कर रहे हो? ये क्या? ये बापू श्री के लिए सबूत है कि हम लोग एयरपोर्ट आए थे, पूजा मनोते यहाँ पर आई ही नहीं। अरे तो हम लोग यहाँ आए। यार चाचू, मुझे एक बात बताओ, ना तुमने कभी उसे देखा है, ना मैंने कभी उसे देखा है, ना परिवार वालों ने उसे कभी देखा है। और गुरुजी ने एक इम्पोर्टेड पूजा मल्होत्रा को अमेरिका से यहाँ पर भेजा ताकि मुझे शादी कर मुझे सुधारे। करेक्ट चाचू, मुझे तो एक निहायत ही खुर्राट प्लस कमीनी होनहार बीवी चाहिए। खुर्राट कमीनी होनहार? और आजकल ये खुर्राट प्लस कमीनी प्लस होनहार बीवी मिलती कहाँ है? जीती थी सबकी शादियाँ हो गई। मैं हूँ ना। लेकिन यार ये गुरुजी को क्या कहेंगे? गुरुजी की माँ की आँख उसकी बहन है ना, तो ये आंख अपन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, एक माँ की और दूसरी बहन की। ए प्रेम, इतनी नफरत से मुझे प्रेम किसने बुलाया? तुम्हें क्या लगा मैं टर्मिनल 3 पे खड़ी तुम्हारा इंतजार करूंगी और तुम ये फोटो खींच के डैडी को बेवकूफ बनाओगे? पूजा, तुमने हमें पहचाना कैसे? आपको नहीं, इससे डैडी ने अमेरिका से चलते वक्त इसका डिस्क्रिप्शन दिया था। पूरे एयरपोर्ट पर नजर घुमाई, भोले चेहरे वाला सबसे बड़ा कमीना यही नजर आया। वाह 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 प्रेम, क्या पहचान बनाई, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये शादी के वस्त्र में क्यों? तुम्हें क्या लगा अमेरिका से 2-पीस बिकिनी पहन के आती? बेटर होता ना। ओ जस्ट शट अप। तू भी यार। ओहो, एक्सक्यूज मी, सिचुएशन का एडवांटेज मत लो एंड डोंट यू डेयर टच मी। चलो। वाह, खुर्राट प्लस कमीनी प्लस होनार। काश कुछ और मांग लिया था चाचू। इससे अच्छा और क्या मांगता। सोच, घर में एक यंग खुर्राट और एक ओल्ड खुर्राट, और दोनों पे बेटिंग होगी कि सबसे बड़ी खुर्राट कौन। तेरी चाची और इसकी बहुत जमेगी। सच, मैं तो तेरी वाली पे ही बेटिंग करूंगा। वैसे भी ये पूजा ही है या किसी और लड़की को मंडप से उठा लाया? चौंक गए ना आप लोग, मैं शादी के जोड़े में। वो क्या है ना, लड़की सबसे ज्यादा खूबसूरत शादी के जोड़े में लगती है। तो मैंने अपने आप से बोला, पूजा डोंट टेक अ चांस, अगर सबको इम्प्रेस करना है तो दुल्हन बन के जाओ। खुर्राट है। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हें हमारा प्रेम कैसा लगा? कैसा लगा? मुझे आप लोग बहुत अच्छे लगे। कामिनी, और अगर आप लोगों ने साथ दिया तो इससे भी अच्छा बना देंगे। होनहार भी है। ठीक कर देगी इसे। कमाल है, सामान तो लाए नहीं। सामान?
सामान लाने की क्या जरूरत थी? किसी होटल में थोड़ी आई हूँ रहने के लिए, अपने ससुराल आई हूँ। किसी चीज की कमी है क्या यहाँ पे? हाँ बस वो तुम्हारे जैसे उसकी कमी थी। वो किसकी? वो बेबे बेटे की उसकी को क्या बोलते हैं? बहू। बस एक बहू की कमी थी जो तुम्हारे आने से पूरी हो गई। तेरा बाप वो हो गया है पागल। डैडी को बोलू तेरे मेरे बड़े भाई के बारे में ऐसा बोलता है? अच्छा ये बताओ तुम शादी में कब जा रही हो? शादी से तो भाग कर आई हूँ। भाग कर? लेकिन तुम तो अपनी फ्रेंड की शादी में फुकेट जाने वाली थी ना? हाँ जाने वाली तो थी। जाने वाली तो थी मतलब जब गई नहीं तो फिर भाग के कैसे आ गई? हाँ क्या मतलब बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा है। अरे फुकेट में खाली फुकेट का टाइम क्यों वेस्ट करती? फुकेट का टाइम वेस्ट क्यों करती? फ्रेंड की शादी में जाती तो अपनी शादी की तैयारी कैसे करती? और गुरुजी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे भी तो निभाना है। ये तुझसे शादी करके ही रहेगी, इच्छाधारी नागे नहीं है। इसकी इच्छा पूरी नहीं होने दूंगा मैं। साहब पूजा का फोन है। पूजा? पूजा का नहीं, पूजा के लिए। लव हेलो। हेलो हाय हाउ आर यू? पिछले दो घंटों से मैं एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ और आप पूछ रहे हैं हाउ आर यू? आई एम नॉट ओके अंडरस्टैंड। मेरी फ्रेंड वही शादी वाली काफी गुस्से में है। यू नो लाइक अ फूल आई एम वेटिंग एट द एयरपोर्ट कम ऑन। और वो मुझे लेने नहीं आया। टाइम नहीं मिला ना। अमेरिका से यहाँ आई हूँ और उसे टाइम नहीं मिला। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो प्रेम के डैड से बात कर लो। मेरे से? डैड आप सबको बुला रही है, बोल दीजिए ना हम फ्री नहीं है। हाँ देखो हम कोई नहीं आ सकते, हमारे पास वो नहीं है। क्या तो गाड़ी नहीं है? नहीं गाड़ी तो है, वो रहता है ऐसा, वो लंबा वो हिलता रहता है जो पेंडुलम। हमारे पास पेंडुलम नहीं है। एक्सक्यूज मी टाइम नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है सॉरी। सुन लिया ना, अब तो यकीन हो गया। अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है देन इवन आई एम नॉट स्टूपिड जो यहाँ आप लोग के लिए अपना टाइम वेस्ट करूं। फ्रेंड की शादी में जा रही हूं और 8-10 दिनों के बाद मैं गुरुजी के आश्रम चली जाऊंगी। अगर आप लोग को फाइनली टाइम मिल जाता है और आप उनसे मिलना चाहते हैं तो वहीं आ जाइएगा। अंडरस्टैंड? ओके दैट्स अ ग्रेट आइडिया बाय। चलो पूजा मैं तुम्हें गेस्ट रूम में ले चलती हूँ। चाची जी मैं कोई गेस्ट हूँ जो गेस्ट रूम में रहूँ? मैं प्रेम के कमरे में रहूंगी। प्रेम के कमरे में? इसके बिना शादी से पहले? जब तक शादी नहीं होती तब तक प्रेम गेस्ट रूम में रहेगा। ये इसका क्या है, ये तो टेबल पे भी सो जाएगा। देखो देखो सोया हुआ है। ओ मैडम रहना है तो गेस्ट रूम में रहना, वरना ऐसा गायब कर दूंगा कि google.com भी तुम्हें ढूंढ ना पाएगा। प्रेम बट डैडी शी इज बिहेविंग लाइक अ। अंकल कूल डाउन, अब मैं आ गई हूँ ना, आई विल हैंडल इट। Now look here, my future husband. अभी तो सिर्फ कमरा छीना है, उसके बाद तुम्हारी नींद, तुम्हारा चैन, तुम्हारे होश तक छीन लूंगी, खाली कर दूंगी खाली। ए, नो गाली। चलिए चाची जी मुझे मेरा कमरा दिखा दीजिए। जाओ भाई जाओ, दिखाओ। आती हूँ। भाई साहब ये ठीक कर देगी इसको। है ना एकदम कोमल कली, चिपकली है चिपकली। नहीं पता कहाँ है वो लड़की, मैं सच कह रहा हूँ। तुम लोगों के हाथ से निकल गई, हमारे आदमियों के हाथ नहीं आई तो वो कहीं कहाँ? सारे शहर में वो किसी को नहीं जानती और उसे कोई नहीं जानता, कहाँ जा सकती है? मुझे नहीं, कहाँ जा सकती है वो? मुझे नहीं पता। कहाँ? मारो इसे! इससे पहले कि वो सूरज चौधरी के हाथ लग जाए हमें किसी भी कीमत पे वो चाहिए। कोई तो रोक लो, है तो सर से पांव तक वन पीस, इसके पीस मैं कैसे करूं? प्रेम कंट्रोल योर माइंड। माइंड को तो कंट्रोल कर लूंगा लेकिन उसको इस केले और तोता परी आम मिक्स्ड शक्ल वाली की तो चीखेगी चिल्लाएगी तो ये रामपुरी चाकू तुझे सीधा श्री राम के पास भेज दे। तुम इस सिचुएशन का एडवांटेज लेने आए हो? सिचुएशन एडवांटेज फिर से? अगर किसी का मूड भी नहीं होना तो ये बोल बोल कर सोचने में मजबूर कर दोगी। लेकिन मुझे मारने से तुम्हें क्या फायदा होगा? वो बेवकूफों की सीईओ, फायदा इसमें मेरा नहीं है, इसमें फायदा तेरा है। तेरी वैल्यू में डबल करूंगा। What? जिंदा मुर्गी के कितने? 100 रुपए। और तंदूरी चिकन के दाम कितने? 200। हो गई ना मरने के बाद वैल्यू डबल। मेरा चैन छीनेगी, मेरा रूम छीनेगी,
अगर कल सुबह तक तू यहाँ से रवाना नहीं हुई तो बाबा रामपुरी की कसम मैं तेरी सांसें छीन लूंगा। क्या हुआ पूजा? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? सपना देख रही हूँ, चीख निकल आई। ऐसे भयंकर सपने में तो बहुत सारी चीजें निकल आती, जैसे कि वो हाँ चीख। मैं सपना देख रही थी। देखिए अग्री कर रही है, सो जाओ जाके। नहीं, और किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हमें जगा देना। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। जिंदगी में तीन चीज कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। शैक, आई, मी एंड माई सेल्फ। नाउ यू ओनली ब्लडी डिसाइड, तुम्हें इस घर में डोली में आना है या इस घर से अर्थी पर निकलना है। शताक, शताक, शताक। हुआ लगता है आज का दिन ऑफिस में बहुत अच्छा गुजरने वाला। सुबह की शुरुआत इतनी पवित्र आरती से जो हुई है। बिल्कुल सही नाम है तुम्हारा, पूजा। ऐसा लग रहा है जैसे हम हरिद्वार में हो। धन्य है गुरुजी, इतनी अच्छी बहू मिली है हमें। बेटी, अमेरिका में रहते हुए तुम में इतने संस्कार, इतने वैल्यूज। बुश ने ओबामा को सिखाया और ओबामा ने स्वयं इनको, तो बताओ अमेरिका में इनकी माँ कौन हुई? ओबामा। अरे सुनो, पूजा के आने के खुशी में आज ऑफिस में वो बांटेंगे, वो टेनिस बॉल। नहीं नहीं, वो नहीं, वो पेपर वेट लड्डू है ना भाई साहब। हाँ, लड्डू लड्डू बांटेंगे, लड्डू बांटेंगे। वो भी तो गोल होते हैं। दुनिया भी गोल होती है कि वो बांट दें। दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं चाचू, भिन्न भिन्न प्रकार के, जो सुबह ना आरती करते हैं ना काम पर जाते हैं। होते हैं बेटा, ऐसे लोग भी होते हैं। खोर कलयुग है कलयुग, राम जी के घर में रावण। रावण का दिमाग चलाना ही पड़ेगा। अरे कुछ नहीं, छोटी मोटी चोट है, बदला लूं। देखो धरती माँ, बैड मम्मी, बैड मम्मी धरती माँ। सॉरी चाचू, मुझे गिराना चाह रहा था, आप गिर गए। लेकिन तुम्हें क्यों गिराना चाह रहा था? गुस्सा, दोस्त अच्छी बातें क्या बोले, गुस्सा आ गया। अरे चिढ़ गया। अरे इसमें क्या चिढ़ना, सच तो बोल रही है। बस सारा दिन या तो बाइक या तो स्केट्स, और टाइम मिलता है तो बॉडी बनाता रहता है। अरे हमारी अच्छी खासी बॉडी को क्यों बिगाड़ रहा है? अरे सब बोल रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं कहना है? अरे ऊपर वाले ने इसे धरती पर भेजा ही इसलिए ताकि ये धरती का बोझ बढ़ा सके। पहली बार सच बोला आपने। और ये माथा इसलिए दिया है ताकि हमारे माथे पे एक कलंक लगा सके। बिल्कुल सही, बहुत बड़ा कलंकार है। क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है चाचा। हाँ, शैतान भी इसके सामने भगवान लगे। अरे इसकी तो लगता है चाची को तुम्हारे अफेयर के बारे में बता देना पड़ेगा। चाचू दिल से नहीं बोल रहा हूँ, दिल पे मत ले यार। हार्ट टूट गया मेरा, हॉस्पिटल ले चलो। इसका कुछ करना पड़ेगा, ये तेरे रास्ते लगा रही है। चलिए चलिए, इसके रास्ते तो लगा डालूंगा, क्योंकि चाचू अगर इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। भाई वाह पूजा वाह, मजा आ गया। नहीं भाई साहब, फैंटास्टिक, कितना अच्छा खाना बनाती है ना पूजा। आउटस्टैंडिंग, और गाती भी इतना अच्छा है। और हमारे बिगड़े हुए बेटे को भी सुधार रही है। लो आगे लाड साहब। बेटा प्रेम नाम है तेरा, नफरत नहीं है ना? अच्छा ओ सुनो, हेलो बैठो, जाओ एयरपोर्ट जाओ, चलो। क्यों? तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए पार्सल भेजा है यूएसए से। हाँ तो न्यूज़ क्या दे रहे हो, जाके लेके आना चाहिए था ना, किसी काम का नहीं। अरे इतना अच्छा गाती है, इतना अच्छा खाना पकाती है, थोड़ा बहुत पढ़ लेती तो क्या बिगड़ता तुम्हारा। वो जो बाबू जो बैठा है वहाँ पर, तुम्हारे दस्तखत के बिना नहीं देगा मुझे पार्सल, तुम्हें जाना पड़ेगा। अरे वो बिचारी अकेली कैसे जाएगी एयरपोर्ट? हाँ। तुम साथ में जाओ प्रेम। क्या मैं इनका ड्राइवर हूँ, शोफर हूँ, नौकर हूँ? भाई साहब प्रेम, तुम चले जाओ इसके साथ में। डैडी आप भी ना बहुत बड़े वो हो, महापका हूँ फिर भी जाओ।
जाओ बेटी जाओ। हाँ पर डैड ने फोन पे बताया नहीं। ओह फैक्स। व्हाट? ओह फैक्स भेजा है डर्टी माइंड फैक्स। बातें क्या कर रहे हो प्रेम, वो पार्सल वापस चला जाएगा। चलो निकलो जाओ। जाओ ना बेटी। चलो चलो। जरा ध्यान से जाना, मुझे इसकी कुछ चाल लगती है। मेरे पास मोबाइल है, कुछ होगा तो फोन करूंगी। अरे अगर वो फोन करने देगा तब ना। अगर ये इस घर में पैदा नहीं हुआ होता तो 10-12 दिन तो आराम से निकल जाते। दो दिन में तो घर वालों को अपना दीवाना बना दिया। अगर 12 दिन रहती तो मेरा तीरवा निकल के जाता। एडवांटेज लेने से बाज नहीं आता। एडवांटेज उसका लिया जाता है जिसको ऐड करना हो। मैं तो तुम्हें माइनस करने के चक्कर में हूँ। एयरपोर्ट के लिए लेफ्ट जाना था पर इसने तो राइट टर्न ले लिया। कहीं जंगल में ले जाकर मेरे साथ। बिना कुछ किए लेने के देने पड़ रहे हैं। अगर कुछ बाय चांस कर लिया तो लेने और देने दोनों पड़ जाएंगे। तो फिर क्यों ले जा रहा है मुझे जंगल में? कहीं जंगली जानवरों के बीच तो नहीं छोड़ देगा? इस जंगल में सिर्फ शेर और बंदर है। कभी शेर और बंदरे की जोड़ी सुनी है? बंदर भी तुम्हें अपनी गैंग में स्वीकार न करे। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? क्या कर रही हो? जंगल क्यों दी? फेंक दी। अरे स्टेरिंग लॉक हो गया, फेंक क्यों दी? तुम औरत हो या क्या हो? औरत हो। औरत हो तो फिर औरतों की तरह चाबी यहाँ पे रखा करो ना। चाबी वहाँ पे नहीं रखते, चाबी कमर में रखते हैं। अबे तुम्हारी 26 इंच की कमर की माँ की आँख, मुझे 6.5 फुट का कमर दिखाई दे रहा वहाँ पर। स्टीयरिंग घुमाओ। अरे कहते हो स्टीयरिंग फेल है। स्टीयरिंग फेल है, तेरा दिमाग फेल है, ब्रेक करे फेल हुआ। नहीं निकल गई। कहाँ हो? ओ मैं यहाँ हूँ नीचे। ये मुझे लटका रही थी, भगवान ने इसको लटका दिया। अरे जिंदा हो या मर गई? अभी तक तो जिंदा हूँ लेकिन कभी भी मर सकती हूँ। हेल्प करो मेरी। ओके ये लो, हाथ लो, हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो। पहले नजदीक तो आओ। नहीं नहीं मैं ये सोच रहा हूँ कि एक का मरना दो से बेटर है। अरे बुस्तर डरपोक कायर फट्टू, मेरी मदद करने के लिए मैं तुम्हारी मदद करने आऊँ? पहले मैं अपने लिए तो मदद मांग लूँ। जल्दी आ। ये आली मदद। टांग दो। अरे ऑलरेडी टंगी हूँ, और कितना टांगू? मेरा मतलब है अपना पैर दो। पैर? मर्द और औरत पैर में अच्छे लगते हैं लेकिन पैर लगाना घोर अपमान होगा। अरे दोनों हाथों से लटके हो, मुझे कैसे बचाओगे? मैडम मेरे एक एक हाथ में 2.5 times गुरिल्ला की शक्ति है, डिपेंडिंग ऑन एज एंड साइज। वैसे मैं आपको एक हाथ से बचा जरूर सकता हूँ। तो यूजलेस, उस हाथ को यूज करो। मेरी कमर पकड़ो और मुझे खींचो। ना ना कमर नहीं, फिर आप कहोगी एडवांटेज एडवांटेज। वैसे आपकी कमर? मेरी कमर जाए फाड़ में, जहाँ पकड़ना है पकड़ो, जो करना है कर लो लेकिन प्लीज मुझे बचाओ। इन दैट केस मेरे पास आ जाओ मेरी सूटकेस। देखो मैडम मेरे डिसएडवांटेज का एडवांटेज ले रही है। अगर इससे ज्यादा करीब आई ना तो गॉड प्रॉमिस दोनों हाथ छोड़ के तुमसे लिपट जाऊंगा और दोनों ही निपट जाएंगे। प्लीज मुझे बचा लो। चलो ना, कर क्या रहे हो? जस्ट हैंगिंग अराउंड। रुक लो। अमेजिंग हाँ तुम औरतों का भी, अपनी उम्र छोड़कर तुम किसी चीज पर नहीं टिकी रह सकती। कभी एडवांटेज लो तो कभी एडवांटेज मत लो। What rubbish is this? ये एडवांटेज बोल बोल के दिमाग खराब कर दिया। वो तो सिचुएशन की डिमांड थी। ओह, जो भी हाथ लगाया तो वो गलत नहीं, जो पहले हाथ लगाया तो गलत था, जब ये गलत नहीं तो वो गलत क्यों, और वो गलत है तो ये गलत क्यों नहीं? एक्चुअली तुम ही गलत हो। तुमसे यहाँ बैठकर बात करना ही गलत है। कोई फायदा नहीं, मैं लेटती हूँ। ऑब्वियसली कोई फायदा नहीं, तुम लेटी हो मैं बैठा हूँ। फायदा तो तब होता जब हम बैठा बैठी होते या लेटा लेटी होती। देखो मुझसे डबल मीनिंग बातें मत करो। हाँ ये तो झायल बंदी की लिमिट है, इसमें डबल मीनिंग क्या है? देखो ऐसे करोड़ मार के सो मत, कुछ कुछ होता है। वैसे जींस की फिटिंग अच्छी है, कवर कर दे। लकड़ियों से ज्यादा आग तो इसमें है, काश ये ना मर्द होता। और तुम ना औरत। संजना सिंह, पूजा के सिंह निकला। प्रेम, प्रेम, प्रेम।
है ना बढ़िया जगह, एक बार आवाज दी और कितनी बार रिटर्न में आवाज आई वापस। ये सुनाने के लिए लेके आए हो? अरे नहीं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी देखो मैं तुम्हारा नाम चिल्लाऊंगा और देखो रिटर्न में कौन सा नाम वापस आता है। चिल्लाऊं? संजना! सुनो, मैं पूजा चिल्ला रहा हूँ और संजना नाम वापस आ रहा है ना, विचित्र जगह। और ये देखो खाई कितनी गहरी है, यहाँ से सिर्फ आवाज वापस आती है, आदमी नहीं। सच सच बता तू कौन है, वरना छोड़ दूं मैं तुझे। मैं सब कुछ सच सच बताती हूँ, पहले मुझे ऊपर तो खींचो। चलो शुरू करो अपनी कथा। मेरा असली नाम तुम जान ही चुके हो, संजना सिंह। एक्चुअली अमेरिका से मैं भी शादी करने ही आई थी, लेकिन जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली थी वो बहुत बड़े डॉन का साला निकला। शादी से तो मैं भाग निकली, लेकिन उन्होंने मेरा पासपोर्ट छीन लिया और नया पासपोर्ट बनने में कम से कम 10-12 दिन तो लगते हैं। मुझे छुपने के लिए एक जगह भी चाहिए थी, फिर एयरपोर्ट पे तुम्हें देखा। तुम पूजा को लेने आए थे और पूजा को कोई जानता नहीं था, तो मैंने सोचा यू नो द रेस्ट। आई नो द रेस्ट। तुमने असली पूजा का क्या किया, उसका मर्डर वर्डर तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं, वो अपनी फ्रेंड की शादी में गई है फुकेट में, वहां से गुरुजी के आश्रम पहुंच जाएगी। गुरुजी 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 की तो चलो। लगता है मुझे चाहती हैं कि मैं आपको लिफ्ट दूं। आप बहुत हैंडसम और डैशिंग हो भैया। भैया ये गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी खराब है। क्यों, क्या हुआ डार्लिंग? डार्लिंग गाड़ी चलेगी, गाड़ी अभी ठीक हो जाएगी। मैं मैकेनिक हूँ, मेरा सुनार का काम है, आ जाओ। यस। लेकिन आपने पूछा ही नहीं मुझे छोड़ेंगे कहाँ। ओहो, अभी हमने आपको पकड़ा ही कहा जो छोड़ेंगे। पहले मैं अपने आपको जरा इंट्रोड्यूस करा दूं। आई एम मिस्टर लैरी। आप बप्पी लैरी को तो जानती होंगी ना। हम दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ एक कनेक्शन सेम है, उन्हें सोना पसंद है और मुझे भी सोना ही पसंद है। ओ हेलो, आप सीटी क्यों मार रहे हो, मैं तो पहले से पटापटाया हूँ। पटाई की पैदाश है। ये कौन है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं? नहीं नहीं, दूर का दोस्त है। दूर का दोस्त, जैसे कि दूर के रिश्तेदार होते हैं ना, वैसे ही। अच्छा, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरी दूर की नजर कमजोर है। तो फिर चले कमजोर आदमी। ओ हेलो, ओए तेरे जैसे बंदे को ना मैं ड्राइवर रखता हूँ। अच्छा हाँ। तो फिर दो चाबी, चलो। चाबी लगी हुई है, रख लिया ड्राइवर। कम ऑन डार्लिंग, पीछे आ जाओ। आ जाओ आ जाओ भाई, पैर बचा के। क्या नहीं मूड पीछे आने का? कोई बात नहीं, हम यहीं से बातें कर लेंगे। हाय हाय, क्या हसीन जवानी भरा मौसम है। तुम्हें देखकर ना एक रोमांटिक कहावत याद आ रही है। बोलिए। जंगल में मंगल। तुम्हें देखकर मुझे भी एक कहावत याद आ रही है, जंगल में एक पकाओ अंकल। तुम्हें पता है शराब और शबाब में एक गहरा ताल्लुक है। हम अक्सर नशे में होते हैं और शाम गुजर जाती है। एक दिन ऐसा आएगा जब शाम नशे में होगी और आप गुजर जाएंगे। ओ हेलो, ओ मैं यहाँ अपनी कोई बेइज्जती कराने नहीं आया। फिर आम तौर पर आप अपनी बेइज्जती कराने जाते कहाँ पर हो? यार कहाँ जाएंगे, घर पे रहते हैं, हम शादीशुदा हैं। शादीशुदा होकर आप कुमारी लड़की को लिफ्ट देते हो? ओ, कौन नहीं देता, ओ मैं तो सिर्फ देता हूँ, तुम तो लेते हो जबरदस्ती।
ये ऊपर क्या कर रहे हैं? फल तोड़ रहा। काफी फल तोड़ लिए यार। ये क्या कर दिया तुमने? मैंने नहीं, तुमने किया है। मिल गया ना मेहनत का फल। बड़ी मेहनत से गाड़ी चला रहे थे। ये गाड़ी किसकी है? गाड़ी मेरी है। गाड़ी नहीं, मेरी बीवी है। प्यार करता हूँ इससे। तो अगर तेरी बीवी का अफेयर किसी से हो गया तो मेहनत कौन करेगा उस पर? वो आशिक करेगा, और कौन करेगा? तो मजा किसको आएगा? यार बीवी को आएगा, और किसको आएगा? सजा किसको मिलेगी? मुझको मिलेगी, और किसको मिल सकती है? जस्ट इमेजिन, ये तेरी बीवी है, मेहनत कौन कर रहा था इस पर? तुम। मजा किसको आ रहा था? उसको। सजा किसको मिलेगी? मुझको मिलेगी, और किसको मिलेगी? क्योंकि गाड़ी तो मेरी थी। Don't cry my son, be strong, the Lord works in mysterious ways my son, have this phal. फादर, फादर, मैंने इसके बारे में बड़ा बुरा बुरा सोचा था। फादर, मैं कितना बड़ा पापी हूँ। मैंने बहुत बड़ा पाप किया फादर। hey, hey, गाड़ी बहुत जल्दी, वो रही लड़की। hey, चलो, ये उसी के आदमी है। चलो बहुत बहुत जल्दी, वो लड़की भाग जाएगी। जल्दी, मैं कन्फेस करना चाहता हूँ। hey! वो लड़की कहाँ है? कौन लड़की? अरे वही जो तेरे साथ यहाँ खड़ी थी, तेरी बहन। वो बहन? वो लगता है जीजा जी के साथ भाग गई। अच्छा सुन, तूने हमारे साहब को देखा है क्या? कौन साहब? अबे लंबा चौड़ा पहाड़ जैसा आदमी। अच्छा, ये क्या पूछ रहे हैं आप? मैं तो यहाँ ये फल बेच रहा हूँ, मेहनत के फल। और मेहनत के फल कितने मीठे होते हैं, जरा खा के देखो। मैंने नहीं, मेरी गाड़ी ने उड़ा। चौधरी साहब, ज्यादा खून बह जाने से आपका बेटा कोमा में चला गया, पता नहीं कब होश में आएगा। इसे जल्दी होश में ला डॉक्टर, वरना तुझे कोमा में भेज दूंगा। सर जी, मुझे भी भेज दो, मेरे घर पे। सर, सर जी देखो, गाड़ी मेरी थी, लेकिन आपके लड़के को उड़ाया उस लड़के ने। मुझे तो गाड़ी चलानी भी नहीं आती, इसकी कसर। जाने दो उसे। थैंक यू सर, थैंक यू सो स्वीट। यस सर जी, मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन जाते जाते एक छोटी सी वार्निंग देना चाहता हूँ आपको। सर जी, वो लड़का बहुत ही स्मार्ट है सर। सर जी, वो बहुत तेज चलाता है, गाड़ी भी और दिमाग भी। अगर आपके सामने आ जाए ना, तो ऐसा एक्शन करेगा कि आपको रिएक्शन देना भूल जाएगा। किसी ने देखा उस लड़के को? किसी ने देखा है कि नहीं उस लड़के को? मैंने उसे सिर्फ लेफ्ट से देखा है। और मैंने उसे सिर्फ राइट से देखा है। और सर जी, ये क्या लेफ्ट राइट? मैंने तो उसको सेंटर से देखा है। पहचान सकेगा? पहचानने की बात कर रहे हो? दरअसल मेरा ना बचपन में जन्म हो गया था, और माँ मेरी लेडीज थी। जिस बंदे ने मेरे बाप का कत्ल किया था ना, 3 बार उसने प्लास्टिक सर्जरी करा ली, फिर भी मैंने उसे पहचान लिया, क्योंकि प्लास्टिक तो हमारी दुकान से लेके जाता था ना। ये प्लास्टिक आज के बाद हमारे साथ ही रहेगा। उस लड़के और संजना को ढूंढो, जहाँ कहीं भी छुपे हो तो ढूंढ निकालो उन्हें। अरे, ओ क्या? ये क्या बचपना है पूजा? ये कोई तरीका है? कोई किसी को ऐसे पकड़ के ऐसे कुत्ता बना देगा? कैसा लगा? क्या किया तुमने? ये क्या किया तुमने? क्या किया? ये ऐसा पकड़ के ये मार दिया। लेकिन वो जोर का झटका ऐसा लगे थोड़ा सा। जोर का झटका धीरे से लगे। धीरे से, धीरे से। ठीक है, पोजीशन ले लो। आपने लाडले भतीजे को जब से जंगल से आया है, कुछ ज्यादा ही मंगलमय हो गया है। मंगल मंगल मंगल। एक्सक्यूज मी, जस्ट फ्रेंड। कैन आई? जस्ट फ्रेंड। बेटा प्रेम, तुम्हारा तरीका गलत था, मगर इरादा बिल्कुल सही था। अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं।
मेरी बेटी राजू के साथ इतने खुश है कि मैं अपने सारे दुख भूल गया। मालूम है मैं लंदन से आ रहा हूँ, फ्लाइट की टिकट राजू ने भेजी थी इकोनॉमी क्लास की। पर तुम्हें कैसे मालूम? राजू को मैंने आईडिया दिया कि फर्स्ट क्लास टिकट देने की कोई जरूरत नहीं, बाप इतना कंजूस है कि इकोनॉमी में ही पड़ जाएगा। क्या हुआ? मेरा गिला हो गया। अरे रेडी यार, हमेशा डबल मीनिंग। डबल मीनिंग नहीं रे, वो जिसे बात करते ना, वो मोबाइल 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 गिला हो गया। मेरा वॉलेट। अरे यार मेरे पैसे। अरे मेरा पर्स। आपका नंबर। चलिए पानी में ये हो गया, आज बहुत दिनों के बाद ये हो गई है। गीले होके मोहब्बत हो गई है? नहीं नहीं, सर्दी हो गई है। आज तो संडे संडे जैसा गुजरा है। संडे तो संडे जैसा ही गुजरेगा ना। सुमन, हाँ? जाकर भी हम लोग साथ में स्विमिंग पूल में नहीं गिरते। सच में? थैंक यू पूजा। You're welcome. अरे वेलकम, थैंक यू, आई एम रेडी। लेकिन यहाँ तो नो एंट्री है। अरे है, कोई तो रोक लो। सर, हाँ? गुरु जी के यहाँ से छोटे पंडित जी आए हैं। आगे। गुरु जी के यहाँ से पंडित? अरे छोटे पंडित जी आए हैं, मैं जाके देखता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। अरे मेरी कैब देना, वो वाली। हाँ। प्रणाम पंडित जी, क्यों आए, कैसे आना हुआ? वो तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन गुरु जी बहुत नाराज है। क्या है? अरे पूजा को लेने एयरपोर्ट का ही नहीं गया। अरे गया था, थोड़ा सा लेट हो गया, वो चली गई शादी में। हाँ वो शादी से सीधे आश्रम आ रही है, टाइम पे आ जाने लेने। जो हुकुम। ये बाकी के लोग नहीं, पूजा के साथ। पूजा तो लेकिन नहीं, ये नहीं, जो पिछले महीने पूजा भेजी थी वो। अरे पिछले महीने तक कुतिया भेजी या नहीं, घर वालों ने मिलकर उसका नाम पूजा रखा है। पूजा रखा, कुतिया का नाम? फिर से कुतिया? डॉगी, कुत्ता, पप्पी, पिल्ला, राजू, टॉमी, कुछ नहीं, सिर्फ पूजा ही बुलाना, झाड़ू के साथ सूत देंगे। इतने मैड हुए इसके प्यार में कि आजकल हम खाना भी कुत्तों। पूजा का घर है पेडिग्री और रॉयल कैनल से। तो मैं क्या कहूँ उसे? पूजा मत कहो, अगर धोती और इज्जत दोनों उतरवानी है तो। नमस्ते पंडित जी, आ गए आपके स्वागत में। चलो नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। खुश रहो खुश रहो। ये गुरुजी ने सत्य नारायण की कथा करवाई थी। अच्छा अच्छा, तो उसी का प्रसाद भेजा है। संजना, जैसे पूजा को आवाज लगाए कुत्ते के साथ स्वयं प्रकट हो जाना। ये बताइए पूजा कहाँ है? यही है पूजा। अब सच बताएं पंडित जी, तो कुछ ही दिनों में बहुत लगाव हो गया पूजा से। है ही इतनी प्यारी, आते ही प्रेम से सबका दिल जीत लिया। हे भगवान, एक महीने के अंदर ऐसा क्या जादू कर दिया इस कुतिया ने सब पर? जितनी सुंदर है ना हमारी पूजा, उतनी सुशील भी। कुतिया और सुशील, कहीं ये लोग पागल तो नहीं हो गए? अब तो ये हमारी फैमिली मेंबर बन गई है। काटती वाटती तो नहीं है? कैसा बेहुदा मजाक कर रहे हैं आप? अरे वो दूध पीती बच्ची है जो काटेगी, शादी के लायक हो गई। हाँ शादी के बाद काटना शुरू कर दे तो वो अलग बात है। काटे नोचे कुछ भी करे, हमने तो फैसला कर लिया कि इस घर की बहू यही बनेगी। कुटिया को घर की बहू बनाएंगे? तेरे लिए तो कुटिया ही ठीक रहेगी बच्चों, तू है इसी लायक। पंडित जी सोच क्या रहे हो, गुरुजी की आज्ञा से तो वो तय हो गया है। वो डांडिया गरबा? नहीं नहीं नहीं, वो रिश्ता तय हो गया। अजीब पागल हो गए, गुरुजी ने जिस पूजा को भेजा था उसे एयरपोर्ट लेने तो गए नहीं, और कुतिया का नाम पूजा रख के उससे शादी करवा रहे। अगर मैं कुछ और देर रुका ना मैं पागल हो जाऊंगा। हम चलते हैं। पंडित जी भोजन करके जाइए ना। हाँ। आज सारा खाना पूजा की पसंद का बना है। हे भगवान, कुत्तों का खाना पंडित को खिलाएंगे? देखिए मैं, आप लोग खा लीजिए, मेरा उपवास है आज, मैं चलता हूँ। अच्छा पंडित जी, ये कन्या कौन है? अरे इसे नहीं पहचानते आप? कमाल कर रहे हैं, ये हमारे घर की नौकरानी है। अरे आप ही तो आश्रम से इसे घर लेके आए थे। देखो इन पागलों को मैं पागल नजर आ रहा हूँ, कहीं मैं सचमुच में पागल न हो जाऊं। क्षमा कीजिए, मैं चलता हूँ। अच्छा अच्छा। Baby, I can see the sun rising in your eyes. Baby, every time I think of you, you make me smile. Baby, I'll be your every dream and you should know. Baby, I never ever wanna let you go. Zindagi ki neendon ki subah ishq hai.
बड़ी खूबसूरत सी सजा इश्क है, हमको प्यार हुआ पूरी हुई दुआ। जिंदगी की नींदों की सुबह इश्क है, बड़ी खूबसूरत सी सजा इश्क है, हमको प्यार हुआ पूरी हुई दुआ। चल चले कहीं उड़ के हम चले कहीं, आसमां इश्क है ख्वाहिशों सा खुला है, मुझको छू गया एक एहसास अनछुआ, जैसे कोई नशा आसमां में घुला है। प्यार हुआ हमको प्यार हुआ पूरी हुई दुआ, हमको प्यार हुआ पूरी हुई दुआ। ख्वाबों में कभी मैंने सोचा था नहीं, चाहतों का खुदा मुझको इतना यूं देगा। बेफिकर चला अपनी ये डगर चला, क्या पता था कि दिल तेरी खातिर रुकेगा। प्यार हुआ हमको प्यार हुआ पूरी हुई दुआ, हमको प्यार हुआ पूरी हुई दुआ, हमको प्यार हुआ पूरी हुई दुआ। नैन्स? यस भैया। वेयर इज एवरीबॉडी गॉन? भैया गॉन आश्रम मीटिंग गुरुजी। एंड पूजा? गॉन विद देम टू। भाई भैया हार्ट बीटिंग फास्ट ली। भैया जी भागो ही। वेर ये है हमारे गुरुजी का वो है क्या बोलते उसको लास्ट आश्रम। बेटे तुम्हारी और प्रेम की शादी का मुहूर्त फिक्स करने के लिए आए हम लोग यहाँ। चलिए चलिए आप चलिए हमारे। ठीक पूजा बेटी, यहाँ की यही मान्यता है कि इस पवित्र कुंड में स्नान करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। आ जाओ। किस पूजा की बात कर रहे हो तुम राम? पूजा तो अपनी सहेली की शादी से अभी तक वापस नहीं आई। फिर जो इतने दिन से पूजा बन के हमारे घर में रह रही है वो कौन है? सादा जिसके साथ तू भागी थी। उस साले के सारे खानदान को काट डालेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? लकी नहीं ऐसी वो। आपको मुझसे मतलब है ना? मैं चलने के लिए तैयार हूँ। चलो। Thank you.
और मुझे भी पता था कि तुम ये जरूर कहोगी कि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। क्यों आ भाई, बॉयफ्रेंड हो तुम्हारा, प्यार करता हूँ तुमसे। देखा, अग्री कर रहे हो। नहीं नहीं, कसम से, मामा है तुम्हारे। हाँ, कैसे बताती प्रेम कि ये गुंडे माफिया लोग मेरे सगे मामा हैं। अरे वाह, तुम्हारे फैमिली वाले चार्ल्स सोब्राज और रंगा बिरला टाइप की फैमिली है। आई लव दीज माफिया पीपल्स। मजाक मत करो प्रेम, तुम नहीं जानते दौलत के लिए मेरे दोनों मामा एक दूसरे के खून के कितने प्यासे हैं। मरने से पहले मेरी माँ की अंतिम इच्छा थी कि मेरी शादी दोनों मामाओं के आशीर्वाद से हो जाए, ताकि उनकी दुश्मनी खत्म हो जाए और वो पहले की तरह अच्छे इंसान बने। लेकिन मेरे 200 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए उनकी दुश्मनी और बढ़ गई। दोनों अपने अपने गुंडे सालों से मेरी शादी करवाना चाहते हैं। 200 करोड़? मैं तुम्हारे मामाओं को एक चेक फाड़ कर बिना TDS काट कर दोनों को जेब में रख सकता हूँ। लेकिन प्रिय, जब तक लव स्टोरी में बाधाएं ना हो, वो लव स्टोरी नहीं। प्रिय, हम हमारे बच्चों को क्या स्टोरियां सुनाएंगे? देखो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से डरता है, गर्लफ्रेंड कॉकरोच से डरती है, कॉकरोच चूहे से डरता है, चूहा बिल्ली से डरता है, बिल्ली कुत्ते से डरती है, और कुत्ता आदमी से डरता है, और आदमी औरत से डरता है। क्या? वैसे जैसे कि विलन हीरो से डरता है। चिंतित मत हो प्रिय, आज मैं तुम्हारी भविष्यवाणी करता हूँ कि तुम्हारी शादी एक भोले शक्ल वाले सबसे कमीने के साथ होगी, अर्थात मैं। अब तुम एडवांटेज ले सकती हो। वैसे शलवार कमीज की फिटिंग बहुत अच्छी है। I am ready for you. Are you ready for me? 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 I am ready for you. Mama, वो युवराज मुझे जबरदस्ती से भाग गए। बैठो गाड़ी में। डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका ए ए ए ए ए ए ए ए ए डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका ए ए ए ए डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका ए ए ए। अरे घास सूख गई। डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका डिंक चिका ए ए ए ए। क्या करूं मैं इसका, इस लड़के का? ये लड़का मुझे ये कर रहा है, ये 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 इरिटेट। नहीं नहीं नहीं, ये 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 इमोशनल। अरे इमोशनल तो ये होता ना, ये कर रहा है वो, ये 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 पागल पागल कर रहा है, पागल कर रहा है। एक तो मुझे झूठ बोला, वो लड़की ये नहीं वो है, क्या नाम है उसका? संजना नहीं, पूजा। हाँ, तू जो करने की सोच रहा है ना, इतना आसान नहीं है। खतरनाक लोग है वो, डॉन लोग। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही कहता, लेकिन अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? अब तुम ही समझाओ इसे। मैं क्या समझाऊं? मैं तो बस इतना जानती हूँ कि संजना एक बहुत अच्छी लड़की है और इस वक्त वो बहुत तकलीफ, बहुत मुश्किल में होगी। वो तो है भाभी, लेकिन इस मुश्किल का हल भी तो नहीं है। अरे ऐसा हल है कि दोनों डॉनों की जिंदगी हिला हिला के हेल कर दूंगा। उनका एक कॉमन CA है जिसने किया है BA, नाम उसका साउंड्स लाइक बुली। इडली, मूली, पुली, टली, ब्रूसली, नहीं नहीं क्लोज क्लोज खुली खली बल्ली बल्ली।
बलिदान भरतवाज। अरे कितनी बार फोन करेगी तू मुझे सकू? मुझे तो लगता है तेरा रॉन्ग नंबर भी मुझको ही लगता है। क्या करूं? आप इतने सारे पैसे लेकर घर से निकले हो, मुझे तो घबराहट सी हो रही है। मैं पहली बार थोड़ी निकला हूँ इतने पैसे लेकर। दिन रात लाखों करोड़ों का ट्रांजेक्शन करता हूँ मैं। दुनिया का हर 500,000 का नोट इस बलिदान भरतवाज को जानता है। वो तो ठीक है, लेकिन अगर किसी चोर ने आपके पेट में कोयता घुसाकर आपको लूट लिया तो? सक्कू, तुझे मेरी चिंता हो रही है कि मेरी चीता जला रही है? फोन रख सक्कू। अच्छा भाई, दो डीडी बनाने का, 21 लाख का, 20 लाख। ये लीजिए। थोबड़ा देखा है? नेशनल टीवी पे दिखा दे तो पूरे देश की नजर उतर जाए। सको, तेरी काली जबान का काला जादू चल गया। क्या हुआ? वो अमर चौधरी और सूरज चौधरी के 50 लाख चोरी हो गए। मच्छर, अब सामान पैक कर, ये शहर छोड़ने का टाइम आ गया। चल, वो आ गए, उनसे कह दे मैं नहीं हूँ और मैं छूट जाता हूँ। भरतवाज सर, भरतवाज सर। अरे वो घर तो क्या, वो तो इस दुनिया में नहीं रहे। एक ट्रक वाले ने उन पर ट्रक चढ़ा दी, तो चल दिया उन्हें। इस कठोर दुनिया में आपका कोई ख्याल रखने वाला है? नहीं जी, वैसे मैं बैग लेके आया था उनके लिए। अब वो ही नहीं रहे तो इस ब्रीफकेस से क्या करूंगी मैं? डोंट वरी, उनकी दोनों ही अमानतों का मैं खूब ख्याल रखूंगा। अच्छा, 13वीं के बाद मिलते हैं। थैंक यू। अरे इधर कहाँ जा रहे हैं? अरे, यू आर अलाइव सर। हाँ, मैं जिंदा हूँ। ये तो इसकी हॉबी अपने सुहाग को बात बात में मार देती है। कल से गले में मंगलसूत्र पहना करो, लोगों को गलत फहमी होती है। ये मेरी है और ये बैग भी मेरा है। सर 50 लाख ही है ना सर? हाँ 50 लाख। एक मिनट, तुमको कैसे पता चला कि इसमें 50 लाख है? नोट की बंडल देखकर एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि कितने नोट हैं। कैसे? ये कला मैंने अपने गुरुजी से सीखी है, मिस्टर बीबी सर। बिशन सिंह बेदी? नहीं सर। बाली ब्रह्मभट्ट? नो सर। भाईचंद भुटिया गोल? नो सर, जिन्होंने ये किताब लिखी है, मिस्टर बलिदान भारद्वाज। संभाल। बलिदान भारत, ये किताब मैंने कब लिखी? इतनी मोटी किताब आपने? हाँ, ये देखो, भारद्वाज के पहले जो बलिदान है वो मैं हूँ। That's me. ये होती है जीनियस की निशानी, बुक लिख दी और याद भी नहीं। सर, हम जैसे न्यू कमर्स के लिए ये किताब मिसाइल है और आप एक मिसाल हो सर। इस शहर में आप ही का असिस्टेंट बनने आया हूँ सर। I see. बस आपके साथ काम सीखना चाहता हूँ, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। तो मेरा काम हो गया। आई मीन तुम्हारा काम हो गया। थैंक यू सर। दो दो क्लाइंट, एक खाली, एक अमर चौधरी, एक सूरज चौधरी। अरे सर, ये तो माफिया के बाप हैं। एक नेवला तो दूसरा सांप है, अगर दोनों मिल जाएं तो किलर शाक हैं। लेकिन दोनों अंगूठा छाप है। ये साले चौधरी जैसे लोग साल में कितनी मर्तबा टैक्स भरते होंगे? सर, ये टैक्सी का भाड़ा नहीं भरते होंगे सर। मैं उनसे साल में हर महीने टैक्स भरवा, हर महीने। बार बार। क्या करे, गंदा है पर धंधा है। और गुंडों को सबक सिखाने का यही फंडा है। सर, नाम आपका बलिदान और क्लाइंट से बलिदान करा रहे हैं सर। अभी तो तू भी आ गए, सबका बलिदान होगा। प्रेम से, प्रेम से। टीचर, चीटर है तू साले, एग्जाम में 0 देता है। तुमने जवाब ही गलत लिखा था। सवाल क्या था? Who is the President of India? मिसेस प्रतिभा पाटिल। तूने बताया था कि अब्दुल कलाम है। ओ, प्रेसिडेंट चेंज हो गया ना। अबे तो चेंज हो गया, इसमें मेरी गलती है। सिकंदर ने पोरस से कब और कहां लड़ाई की, इसमें मैं क्या करूं? अबे मुझे क्या, वहां जाके उनकी कब्रें खोदनी है? शाबाश शाबाश, सही जा रहे अमर चौधरी। देखा, इसीलिए मैंने इसका नाम अपने नाम पे रखा है, अमर चौधरी। ए अमर चौधरी, गंदी न
नाली के बदबूदार सड़े हुए कीड़े। माँ तुम अंदर जाओ। कुत्ते भौंकना बंद कर और छोड़ दे इन्हें, वरना तेरे खाने में डालूंगी जहर और मुंह में घुसेड़ दूंगी, समझा ना? जाओ इसे बाइज़त बाहर छोड़ के आओ, जाओ। थैंक यू। चलिए सर। जीजा जी, इसके नाम पे आपको गालियां दी जा रही है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरी बहू के लिए तो पिता समान है, भगवान है आप। पैदाइशी लीचड़ है। और सुनो, ये अमर चौधरी, स्कूल का टाइम हो रहा है, जाना नहीं है? पिताजी आपके लिए कुछ लेकर आऊं? हाँ बहू, चाय लेके आओ जी, बिना शक्कर के और बिना जहर के। मुंह मीठा कीजिए चौधरी साहब, आपकी शराब की फैक्ट्री डालने के लिए जो लैंड फंसी हुई थी मैंने क्लियर करवा दी है। और खर्चा क्या? मामूली 50 लाख रुपए। बल्ली जी, तुझे पता नहीं है यहाँ अनजान लोगों को लाना मना है? कौन है ये? मेरा भांजा है ये। भांजा? हाँ, ये देखिए हमारी शक्ल मिलती जुलती है कि नहीं? इसका मतलब है जब मैं आपकी उम्र का होगा तो आप जैसे दिखूंगा। अरे शक्ल की बात छोड़िए चौधरी साहब, अक्ल की बात कीजिए। अमेरिका रिटर्न है और आपकी इनकम ही इतनी बताएगा कि टैक्स भरने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अच्छा? अमेरिका में अरबपति है ना जो अपने ये के मोदी, उनका अकाउंट ये संभालता था। के मोदी? हाँ के मोदी। भूल जाइए वो के वे के मोदी को, भूल जाइए। अभी आप यहाँ आए तो चौधरी साहब के लिए काम कीजिए, उनका अकाउंट देखिए। रख ले अपने भांजे को। भांजा? दद्दू ये तो आपके बिजनेस के ऐसा साउंड होता है, गांजा। बल्ले जी, अपने गांजे को सलाम कराने सिखाया? हे सलाम करो। कुत्ते की तरह मार खाए। क्या बोला? नहीं नहीं, आज सुबह को मैंने अपना हॉरोस्कोप देखा है, उसमें लिखा गया कि अगर मैंने अपने से छोटे किसी को सलाम ठोका तो दिन भर ठुकता जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो। लेकिन मैंने इसका हॉरोस्कोप पढ़ा है। बल्ले आ जाओ। आज रहने दीजिए ना, बांजा भी है साथ में तो। बल्ले अब जाके आई मेरे हाथों में गर्मी और मेरी आंखों में ठंडक मेरे से। ओ जंगली गेंडे अमर चौधरी, तू ना अपने चेहरे पे वेलकम लिखवा ले, दरवाजे का सड़ा हुआ डोरमैट लगेगा तू। वैसे भी तेरी ये जो चुटिया है ना, किसी मरी हुई कुतिया की पूंछ जैसे दिखाई देती है। अपने दादाजी को देख कितनी सूट करती है। ये ले बेवकूफ, स्कूल जा। हाँ दादाजी, माँ ने पहली बार सही बात बोली है, क्लास में लड़कियां भी चढ़ाती हैं, कहती हैं ये हमारे जैसी लगती है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसे कटवा दूं। अमर चौधरी, अपनी गर्दन कटवा लेना चुटिया नहीं, इसे चेतावनी समझना राय नहीं। हम समुराय है, ये हमारे खानदान की पहचान है। आईडी प्रूफ है आपका, ये वोटर्स कार्ड है, पैन कार्ड है, आपका ब्लड ग्रुप है। दादा पोते होने का प्रूफ है। ये पुट्ठा पकाऊ भी कहाँ से आ गया? बड़े दादू आपके दर्शन हो गए, आज दिन अच्छा जाएगा। पढ़ाई में ध्यान दे, तेरी उम्र के बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आपकी उम्र के भी कहां से कहां पहुंच गए। सुख भरे दिन बीते रे भैया, अब दुख आयो रे। क्या लाइफ हो गई है, क्या कर रहे हो? मैं व्हाइट हाउस में ओबामा के साथ ब्लैक कॉफी पी रहा हूँ, दिखता नहीं तेरे को? और तेरे को लिफ्ट देने के चक्कर में मैंने ब्रेक क्या लगाई, मेरी तो कमीज बढ़ के ये पोछा बन गई है। ये सब मेरी वजह से हुआ ना, आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी। आई लव यू टू। अब मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हें यहाँ से आजाद करवाऊं। जाना तो मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए तो मुझे पहचानेंगे नहीं, और मेरी बीवी इतनी भोली है, बेचारी फिर किसी के साथ ना भाग जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास एक माइंड ब्लोइंग आइडिया है। ये है वो लड़का सर जिसके साथ संजना भागी थी। अपने शहर का तो नहीं लगता। जमीन के नीचे भी छिपा हो तो साले को ढूंढ निकालूंगा। तो सच बोल रहा ना? सर जी अगर मैं झूठ बोलूं तो अभी जान निकल जाए इनकी। नहीं, मैं इनकी कसम खा के कहता हूं कि आज के बाद कभी नहीं कहूंगा कि वो लड़का ये नहीं कोई और था। सर! क्या हुआ? सर जी आपको कोई मिलने आया है। क्या रे बल्ली, तूने अमर को शराब की फैक्ट्री के लिए लैंड क्लियर करवा दिया? अरे उसके लिए तो मैंने सिर्फ लैंड क्लियर करवाई है, लेकिन आपके लिए तो मैंने लैंड के साथ साथ लिकर फैक्ट्री का लाइसेंस भी क्लियर करवा दिया है। लाही, ये? जा, आज से तू आजाद है।
चौधरी साहब मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन जाते जाते एक वार्निंग देना चाहता हूँ। सर जी ये जो लड़का है ना, ये बड़ी पहुँची हुई चीज है। ये कैसे कैसे लोगों को फंसाता है सिर्फ मैं ही जानता हूँ। ये आपकी आंखों के सामने भी आके खड़ा हो जाए ना, तो आप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो एक काम कर जी, संजना की शादी तक तू यही गाड़ियाँ साफ करता रहे। सर जी ये आप क्या कह रहे हो, ये तो जुल्म हो गया ना, ये पाप है। चौधरी साहब आप ऐसा कर ही नहीं सकते। चौधरी साहब कुछ भी कर सकते हैं, चौधरी साहब जस्टिस चौधरी हैं। अच्छे लोगों के साथ इंसाफ करते हैं, बुरों को साफ करते हैं। उड़ाओ फिरो जो। नहीं, नहीं। बल्ली जी, ये लड़का कौन है? कौन है साला CON? कौन? उस लड़की के साथ मिलके मेरे को गधा उल्लू पोपट बनाया, अब कौन सा जानवर बाकी रह गया है? ओ कुत्ते, गाड़ियां साफ कर। चौधरी साहब है ना लड़का काम का? एक बार काम करना शुरू कर दूं, नो इनकम नो टैक्स। क्या? नो इनकम टैक्स। लेकिन बल्ली ये कैसे हो सकता है कि ये लड़का अमर के लिए काम करेगा और हमारे लिए भी? इसको आदत है दो काम एक साथ करने की। अमेरिका में के मोदी है ना, उसका छोटा भाई BK मोदी, उसका भी अकाउंट प्लस करता था। लेकिन अगर ये प्लस की जगह माइनस निकला तो? तो अब मामा जी का सर धड़ से अलग कर दीजिए। सर धड़ से अलग? देखा, एग्री करते हैं। अंगूठा फाइन दो। एक मिनट मामा जी, मैं कैजुअली आपके अकाउंट्स चेक कर रही थी, बहुत गड़बड़ है। क्या 19-20 का फर्क होगा? 21। भले पूरे 21 रुपए का फर्क है। 21 रुपए बेटी, क्या है? मामा जी एक मिनट, तुम असिस्टेंट हो ना? यस मैम। चलो अकाउंट्स दिखाओ। मामा जी मैं अकाउंट्स ठीक से चेक करके आती हूँ। हाँ ठीक है बेटी। चलो इसको पटा लेना। समझ लीजिए कि पट चुकी। देखा बल्ली, हमारी भांजी का ABD पढ़ना आज हमारे कितने काम आ रहा है। प्रेम, एडवांटेज लेने के लिए सिचुएशन सही नहीं है। अच्छा तो फिर वादा करो कि रात को मिलोगी और एडवांटेज ही एडवांटेज लेने दोगी मुझे। प्रेम, प्रेम, मजाक कर रहा था। क्यों भाई बल्ली, तेरे पे 12 की वजह है बे? हमारी होने वाली बहू एक एक चीज चेक कर रही है ना। डिटेल में काम करे, कोना कोना देख रही, चप्पा चप्पा। देखा मेरी होने वाली बीवी मामूली लड़की नहीं है वो। अभी अभी पता चला मुझे। बिल्कुल हमारी स्वर्गवासी बहन पर गई है। ओ तो बहन भी ऐसे ही थे फिर तो पूरा खान। क्या हुआ? घबरा रहा है, चोरी पकड़ी ना जाए। अरे संजना मेरी बेटी ही नहीं, बेटी से बढ़कर है प्रेम। उसकी खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन लेकिन इसके मामा को तुम जानते नहीं हो, वो लोग। जानता हूँ, वो आधी मानव के जमाने के कमीने, ऑर्थोडॉक्स। मैं मॉडर्न जमाने का कुत्ता हूँ, लेटेस्ट। जब ये कुत्ता और वो कमीने भिड़ेंगे तो ये कुत्ता उन कमीनों को काट खा जाएगा। वाँ 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 वाँ। मैं कुत्ता हूँ, ये मेरी कुतिया है। जब आई तो सच कहता हूँ, क्या या मौसम काट खाने का। वाँ 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 वाँ। फिक्र मत कीजिए मामी जी, सब ठीक हो जाएगा, ये मेरा वादा है। क्या कर रहा था अंदर, लिपटा छिपटी है? मामा जी वो मुझ पर गिरी थी। अरे बड़े घर के, नमस्ते, बड़े घर की लड़कियाँ गिरी हुई होती हैं, समझा? तू उस पे गिरे या वो तुझ पे गिरे, हम दोनों की गर्दन गिर जाएगी कट के, बड़े डेंजरस। मामा जी आप ही ने कहा था पटाओ, मैं खुद पट गया। कहीं अकाउंट्स खोल देती तो आपके पोल खुल जाते हैं। एक तो पहली बार किसी लड़की के स्पर्श को अपने बदन के फर्श पे क्रश होने दिए और आप। नहीं 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 सॉरी सॉरी, तू चालू नहीं है, तू मेरा चेला है। बैठ बैठ बैठ, आ जा आ जा। चल चल। बारह महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार जताऊंगा रे। लगता है अब ना
तेरे बिन रह पाऊंगा रे। दर्शन भी कर लो छोटे चौधरी जी। अबे अबे बता इसको, एग्जाम से पहले पूरे एक हफ्ते तक पूजा की थी इनकी, फेल करवा दिया। तो यहाँ क्यों आयो? मैं दादाजी का छोटा जासूस हूँ। जब भी घर की औरतें घर से बाहर जाती है, मैं उन पे नजर रखता हूँ, कहीं दुश्मनों से तो नहीं मिल रही। मामी जाओ। बस बेटा बस, कुछ रो। होय 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 होय, कोई तो रोक लो, रो रही हो? रोना तो आएगा ही, है देवरानी जेठानी, लेकिन सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार है। एक ही शहर में रहने के बाद भी बरसों बाद मिले हैं, इन मर्दों की दुश्मनी में पैसा मोड़ते रही हैं, पता नहीं कब खत्म होगी इनकी ये जंग। जैसे मामी मिलाप कराया वैसे ही मामा मिलाप करा दूंगा। अगर इस खानदान को मैंने हम आपके अकाउंट के परिवार में नहीं बदला तो मेरा भी नाम प्रेम नहीं। संजना, अच्छा पूजा पाठ के बहाने दुश्मनों से दोस्ती हो रही है? बेटा ये दुश्मन नहीं, ये तुम्हारी बड़ी दादी है। नहीं बेटा अमर, मुझे हाथ मत लगा बुढ़िया। कमीने, एक लफ्ज भी और कहा ना तूने,
तो मिट्टी का तेल पिलाऊंगी और मुंह के सामने माचिस जला दूंगी। निकल यहाँ से। इसे माफ कर दीजिए जीजी, इसके दादाजी ने इसे बिल्कुल अपने जैसा बना दिया है, पता नहीं कब सुधरेगा। हंस क्यों रहे हो? सुधर तो जाएगा, लेकिन जिस तरह सुधरेगा वो सोच के हमें हंसी आ रही है। छोटे चौधरी साहब, बात बंद हो गया। अरे वो पब्लिक के लिए, हमारे लिए नहीं। मैनेजर को जाके बोलो अमर चौधरी आए हैं, पार्क अभी खुला रहेगा। जी सर। कर जी सर। इधर आप पीले जानवर, हंसा हमको। देखो पार्क बंद होने का टाइम हो गया है, हमें घर जाना है। अबे अमर चौधरी को मना करता है तू? इधर आ। आया, आया। तेरी ये मदद साले, मैं तुझे नहीं चाहूंगा। अबे भागता क्या है, रोक। अबे कौन है तू? बैडमैन। बैडमैन? तुझ जैसे बैड बॉय को गुड बॉय बनाने के लिए आया हूँ। अबे एक लात दूंगा ना, बैडमैन से डेडमैन बन जाएगा। मार मार लात मार। तो गुड बॉय बनेगा। बन गया। स्कूल से गुल नहीं होगा, टीचर्स की क्लास नहीं लेगा, बड़ों का आदर करेगा और ये चुटिया भी काट देगा। ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे खानदान की पहचान है। अबे बाल काटे जा रहे हैं, खतरा नहीं किया जा रहा। थका दिया बच्चे ने, पहले समझाओ बात, नहीं समझ में आया तो दो खींच के लात। वाह बल्ली वाह, तेरा भांजा तो लाखों में एक निकला। अमर चौधरी, सर पे कपड़ा क्यों बांध रखा है? नया फैशन है दद्दू। अच्छा अच्छा फैशन, इधर आ मेरे शेर और इस लोमड़ी के सर पे पंजा तो मार। आजा। प्रणाम बल्ली अंकल। ये क्या कर रहा है वो? बड़ों का आदर ग्रैंडफादर, बैडमैन ने यही सिखाया है। कौन बैडमैन? वो हमारे नए टीचर है दद्दू। टीचर? दादाजी, इसका ये जो नया टीचर है ना, प्रेमी है। अब ऐसा लग रहा है बेटी कि ये मेरे दो कमीनों को भी लाइन पर ले ही आएगा। हेलो। हेलो छोटी मामा जी, बड़े मामा फिर से मेरी शादी वीर से करवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? हाँ मामा जी, लेकिन मैं आपके युवराज से ही शादी करना चाहती हूँ। युवराज से? प्लीज मामा जी कुछ कीजिए ना, प्लीज जल्दी से मुझे यहाँ से लेके जाइए। कोई आ रहा है? चलो गाड़ियाँ निकालो, अपनी बंदूकें भर लो, चाहे लाशें भी चाहे किसी भी कीमत पर, युवराज हमें शाम तक। गलत कर रहे चौधरी साहब। मामा जी बताओ ना। गलत कर रहे हैं जी, 200 करोड़ के लिए अपने भाई का खून बहाने जा रहे हैं, जबकि 500 करोड़ की पार्टी तो मामा जी की जेब में पड़ी।
कौन सी 500 करोड़ की पार्टी भाई? अरे मामा जी वही ना, के मोदी। हाँ वो के मोदी के भाई अमेरिका वाले। बता दो कितने करोड़ की आसामी है? 5-7 हजार करोड़ की आसामी है। और ये सुनिए, उनकी बेटी नैना की शादी की जिम्मेदारी किसके हाथों सौंपी गई है? मामा जी के। मामा जी आपको ये हीरा जैसा लड़का नहीं देखा, जबकि नैना की तमन्ना है कि उसको हीरा मिल जाए। सच लवली पीपल्स, रोमांटिक मिजाज के, अपने भाइयों का खून करने जा रहे लोग। मामा जी अगर मैं नहीं सोचता तो आज खून के गटर बह जाते। अबे तो सोचता क्यों नहीं है पहले? नहीं भाई वो आइडिया मेरे दिमाग में ऑन द वे ही था, लेकिन ट्रैफिक की वजह। एक बात अपने दिमाग में डाल ले बल्ली, अगर ये रिश्ता हमारे पास नहीं आया तो समझ ले तू नरकवासी हो गया। टैक्सी पकड़ और चल निकल यहाँ से। वो के मोदी का नाम तो मैंने ऐसे ही ले लिया था, तुमने उसमें उसकी बेटी डाली, उसकी शादी की जिम्मेदारी डाली, ऐसा सब मिर्च मसाला डाल दिया। सर ये सब बातें आप ही ने ड्रिंक्स के बाद बताई थी मुझे। जो लोग इस दुनिया में है ही नहीं उनके बारे में मैंने बताया था तुझे। है सर। अरे सुनिए, सुबह से किसी के मोदी का फोन 5 बार आ चुका है। उन्होंने कहा है आपको रिमाइंड कराने के लिए कि वो अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में इस फ्राइडे इंडिया आ रहे हैं, और हाँ किसी रिसोर्ट को बुक करने को कहा है, भूलिएगा मत। ऐसा कैसे हो सकता? ओहो सर, इसका मतलब कि आप में MP या UP आ गया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। MP मतलब मेमोरी पावर। इस बीमारी में सर मेमोरी की बैटरी डाउन हो जाती है, या तो फिर UP अनबिलीवेबल पावर। अनबिलीवेबल जी power. सर इसमें जो आप कैरेक्टर सोचते हैं वो रियल लाइफ में आ जाते हैं। आई डोंट बिलीव दिस, इसलिए तो इसे अनबिलीवेबल पावर कहते हैं। अभी आपकी इफेक्टिव सोच या डिफेक्टिव बीमारी ये आपको खुद तय करना पड़ेगा। फिलहाल सर आपने मुझे घर से निकाल दिया। जयराम जी की टैक्सी। अरे नहीं प्रेम यार, वो तो मैंने ऐसे टेंशन में बग दिया था, प्लीज। अच्छा ऐसे कंफ्यूजन में छोड़ के मुझे मत जा। ओके सर, आगे बता मैं क्या करूँ? इसका कोई चारा या कोई रिसोर्ट नहीं है। हाँ लास्ट रिसोर्ट ये है कि आप रिसोर्ट बुक कर लो। आ गया क्या लेमो? मामा जी मोदी के गोदी में बैठ जाओ। आओ आओ, अरे दोस्त को गले मिलो। एकदम फिट लग रहे हो तुम, लगता है शकुंतल भाभी के उसका नतीजा है, प्यार का। कैसी है शक्कू भाभी? सर आपको आने में वो तो नहीं हुई ना सर? तकलीफ नहीं, नहीं नहीं नहीं, अपनी औलाद के लिए थोड़ी बहुत उठानी पड़ती है, वो तकलीफ। हाँ हाँ चलो मोदी साहब। मोदी क्या तरीका चुनना मांगने का? मोदी साहब ये चौधरी साहब है, शहर के बहुत बड़े बल्ली के पहचान के मतलब ये हमारे वो हो गए मेहमान। इनको भी रात को बुला लो डिनर। इस पे भी चलो। ऐसे मुंह खोल के क्या देख रहा है? पहली बार देखा है क्या? अरे मोदी साहब को देखकर किसी का भी मुंह खुला ले जाएगा। चौधरी साहब अगर आप चूहे तो ये बिल्ली है, अगर आप बिल्ली है तो ये कुत्ते, अगर आप कुत्ते हैं तो ये तेंदुआ, अगर आप तेंदुआ है तो ये शेर, अगर आप शेर है तो ये हाथी, अगर हाथी है तो ये डायनासोर है, डायनासोर बिजनेस के। आपकी खातिर डिनर पे टाइम पर जरूर आ जाना, वरना आप गधे हैं सर। जा कौन रहा है, हम रात तक यहीं हैं। चलो। व्हाट हैपेंड मामा जी? अरे मोदी इतने प्यार से मिले, मुझे गले भी लगा लेकिन मैं पहचान ही नहीं पाया। ये क्या मेरी बीमारी है कि मेरी सोच है? ये दोनों, एक पर्सनालिटी बीमार है, दूसरी पर्सनालिटी की सोच है। 1 in 2 personality टकराने टू इचान बिकम थर्ड पर्सनालिटी, स्प्लिट पर्सनालिटी, जो कि चौथी पर्सनालिटी बनाएगी, वही सुसाइडल पर्सनालिटी। आपको सुसाइड करने का दिल करेगा मामा जी? सही बात है, नहीं मेरा दिल करता है सुसाइड करने को। मामा जी करना मत। क्यों? क्योंकि आप सुसाइड करोगे आपको याद भी नहीं रहेगा मामा जी। तो क्या करूं मैं? मामा जी आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, ये मान के चलिए जो आपकी सोच की पर्सनालिटी वो सही पर्सनालिटी है। आप जानते हैं इनको? ये के मोदी है। पहचान गया? पहचानना ही पड़ेगा ना, अगर मैं सुसाइड कर लूंगा और याद भी नहीं रहेगा तो फायदा क्या? के मोदी है। मोदी साहब आपके जितने अमीर तो हैं नहीं हम, लेकिन शहर में बहुत इज्जत है हमारी। क्या बात है। जी खानदानी लोग हैं और ढेर सारी कार के साथ संस्कार भी है। हाँ तो भाई साहब बताइए कितना लोन चाहिए आपको? नहीं नहीं भाभी जी, मैं तो ए बल्ली बताना। मैं क्या बताऊँ अभी? मामा जी अगर आपकी आज्ञा तो मैं बताऊँ। हाँ प्लीज। मोदी साहब ये इनका साला है युवराज, 8वीं पास है। 8वीं दो उंगली और बढ़ाइए। हाँ 8वीं पास है तो
ये रिश्ता ढूंढा आपकी बेटी का। बल्ली भाई साहब, ये रिश्ता लेके आए आप? शक्लें देखिए इनकी, ऐसा लगता है सीधे जंगल से आए हैं। और नहीं तो क्या, इन जाहिल गवारों के घर जाएगी इनकी बेटी? मोदियों की जिनको ना ये पहने का ढंग है, कपड़े पहने का ना ये करने की तमीज है, बात करने की। ये तो बिल्कुल वो लगते है वो आदि मानव। बली तुम मेरे दोस्त ना होते तुम्हें डाल देता वो गोली। चलो सुमित्रा, चलो सारा मूड खराब कर दिया सब सर लोगों का। साले जाने दो। अरे तेरा ही सर उड़ा दूंगा साले। अरे साले बेवकूफ ये नहीं, साले तुम हो, पता है किससे पंगा ले रहे हो तुम? तुम तो सिर्फ अंडे की भुर्जी बना सकते हो। अरे मोदी साहब भुर्जी से अंडा बना सकते हैं। पूरा गेम खराब कर दिया तुमने यार। लेकिन कोई बात नहीं, मामा जी है ना, मामा जी चक्कर चला लेंगे। मैं कौन सा चक्कर, मैं खुद चक्कर में हूँ। अरे क्या बात है, बताएगा भी, हम सबको चश्मा क्यों पहना दिया? एक्सक्यूज मी फॉर माई लैंग्वेज दादाजी, लेकिन ये साले मोदी शोदी अपने आप को समझते क्या है? शादी की 3 ऐसी शर्तें रख दी हैं। मैंने उसे कहा कि ये शर्तें सुनाने के बाद मैं उसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। और वो जो सुनेंगे तो आप एक दूसरे से नजरें मिला ही नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा ये लो चश्मे पहनाओ और शर्तें सुनाओ। अरे सुनाओ क्या शर्तें हैं? बेसिकली मोदी ने चौधरी की जिंदगी का तंबू 3 बम्बू पे खड़ा कर दिया। शर्त नंबर 1, उनको आपका ये घटिया पहनावा बिल्कुल पसंद नहीं। क्या कर रहा है? वो कहते हैं कि आप किसी सी ग्रेड फिल्म के विलन लगते हैं। उनकी ये मजाल, ये मामा जी ने ये कहा, आपकी ये मजाल। हाँ। 500 करोड़ रुपयों के लिए चौधरी कभी अपना पहनावा चेंज नहीं करेंगे। 500 करोड़? ठीक है, आप टूडेट सूट बूट पहन लेंगे। दूसरी शर्त क्या है? उनकी फैमिली, हम आपके हैं कौन टाइप की फैमिली है, वो सब साथ साथ रहते हैं। तो हमारी फैमिली क्या कभी खुशी कभी गम की है? हम सब अलग अलग रहते हैं। उन्होंने आपको कभी आपके बहू बेटियों के साथ बाहर लंच संच पिकनिक शिकनिक पर कभी नहीं देखा। अरे औरतें हैं, मतलब ये परंपरा हमारे पुरखों से चली आ रही है। मामा जी ने भी यही कहा। क्या? कि चौधरी अपनी परंपरा 500 करोड़ के लिए कभी नहीं चेंज करेंगे। 500 करोड़? ठीक है। सुनो, आज से हम साथ साथ हैं। चलो तीसरी शर्त बताओ। तीसरी शर्त अगर मैंने आपको बता दी तो आपकी पैंट फट जाएगी। ये मैं कह रहा हूँ। उन्होंने कुछ और ही कहा था। शर्त बताओ। चुटिया काटनी पड़ेगी। क्या? चुटिया काटनी पड़ेगी। नहीं। मामा जी भी ऐसी चिल्ला के कहे नहीं। हाँ। लेकिन क्या करें, 500 करोड़ का पपलू तो उनके पास है ना। 500 करोड़ काट ले अमर, ये तो घर की खेती है, मगर 500 करोड़ की फसल जिंदगी में बार बार नहीं उगेगी। क्या बात है, नाउ यू आर लुकिंग वो और वो, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। तो ये बताइए भाई साहब, आपने क्या फैसला किया? मैंने क्या बोलते बल्ली, वो कर दूं? हाँ जी कर दीजिए, अब आपने हीरा तराश लिया तो अंगूठी में फिट भी कर दीजिए। तो ठीक है, मैं कल ही अपने बेटी को और वो छोटे उसको बुला लेता हूँ, भाई को। आपके कोई रिश्तेदार भाई वैसे कोई नहीं है ना बड़े भाई? नाम बोलो। सूरज चौधरी। आपके बड़े भाई के होते हुए आप लोग अकेले आ गए रिश्ता तय करने, वो कहाँ है? वो कैसे आएगा, हमारी आपस में बनती नहीं है। जिस घर में भाई भाई की वो नहीं होती, बनती नहीं, वहाँ जाएगी इनकी बेटी मोदियों की। बनती नहीं का मतलब है कि टाइमिंग नहीं बनती, कभी वो बाहर होते हैं तो कभी ये अंदर होते हैं। वैसे दोनों भाइयों में बेशुमार प्रेम है, जैसे कि राम लक्ष्मण। अच्छा, तो बुला लीजिए राम को और बना दीजिए वो टाइमिंग। बस ये समझ लीजिए हमारी वो है, शर्त है। ये कहने की कि मेरा कोई बड़ा भाई भी है? अरे वो है, तभी तो मैं बोला ना। अरे कह दिया था कि मर गया। अरे कमाल करते हो, कैसे बोल सकते थे? आज तक आप नहीं मार पाए, हमारे भोले मामा जी उनको कैसे मार सकते? अरे लेकिन अब हम तो मर गए ना, वो सूरज चौधरी कभी नहीं मानेगा हमारी बात। अरे ऊपर वाले ने मामा जी के कंधे के ऊपर सर दिया, थोड़ी डेकोरेशन पीस दिया, सोचने के लिए दिया, कोई ना कोई चक्कर चलेंगे, आपके भाई को ऐसे कान पकड़े खींच के लेके आएंगे। चुप, सूरज चौधरी को यहाँ आने की बात भी करे तो गर्दन काट देगा वो मेरी। और अगर वो यहाँ नहीं आए तो हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे।
अरे कहाँ जा रहे हैं? चलो हटो पीछे जाने दो अंदर। टाइट टाइट टाइट। कीप डिस्टेंस ऑन प्लीज। पूरी नजर वाले तेरा मुंह काला। सील कर दो सारी जगह को। मोबाइल ले लो इन सब के। टेलीफोन डिस्कनेक्ट कर दो। कौन हो तुम लोग जो इस तरह से? इसी तरह से घुसते हैं हम लोग। एंड यू हैव ऑल द राइट टू रिमेन साइलेंट। एंड दिस इज अ रेड। साल में 13 बार इनकम टैक्स भरता हूँ फिर भी रेड। सर मिस संजना। हेलो माथुर अंकल। हेलो बेटा हाउ आर यू? संजना ये इनकम टैक्स वालों को जानती हो तुम? मामी ये इनकम टैक्स वाले नहीं है, वर्ल्ड बैंक वाले हैं। पंजाब बैंक सुना है, इलाहाबाद बैंक सुना है, ये वर्ल्ड बैंक क्या है? जो पंजाब और इलाहाबाद के बाहर होता है ना उसे वर्ल्ड बैंक कहते हैं। द फादर ऑफ ऑल बैंक्स एंड द मदर ऑफ ऑल बैंक्स। चाचा चाची ऑफ ऑल बैंक्स। सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मिस संजना के फादर ने हमारे बैंक से 200 करोड़ का लोन लिया था। हाँ तो? तो लोन सेटल करने से पहले ही वो भगवान को प्यारे हो गए। हाँ तो? हाँ तो, हाँ तो बहुत कर रहा है, जब सुनेगा तो तोते उड़ जाएंगे। तो अमेरिका में जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो तो हमने सारी जब्त कर ली है। 100 करोड़ वसूल कर लिए हैं और 100 करोड़ वसूल करना अब भी बाकी है। अरे लेकिन यहाँ संजना की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो यहाँ मुझसे शादी करने के लिए आई है। फैंटास्टिक भाई, शादी के बाद पत्नी का प्रॉपर्टी में बराबर का हक होता है, इसलिए अकॉर्डिंग टू लॉ बाकी के 100 करोड़ हम आपसे वसूल करेंगे। 50-60 करोड़ का तो बंगला ही होगा। आशिक साहब मुझे पता था कि आप शादी ये कैंसिल कराओगे, लेकिन अब ये 100 करोड़ का क्या चक्कर है? आज ही सब बता दूं, पता चल जाएगा। जा कर रहा है, यही है ना, पॉलिश कर। बल्ली ये कैसा लॉ है? जैसा कानून वैसा लॉ है। मामा जी आपकी एक हर बार विला मिला के 100 करोड़ हो जाएगा ना? ये तो आप भी नहीं चाहोगे कि मेरे स्वर्गवासी पिताजी पे किसी का कर्जा रहे। सुनो असिस्टेंट। यस मैम। चलो प्रॉपर्टी की वैल्यू चेक करो। फिर से? नहीं अभी क्या, अभी इससे कुछ काम है मुझे थोड़ा सा, अभी नहीं। चलो तो काम के बाद हम शुरू करते हैं। ओके मैम। कितना काम करेगा, थक जाएगा, सब खड़े हैं यहाँ पे। सूत्रों में लिखा कि जितना काम करो उतना बेटर है मामा जी। ये लड़की तो मुझे सड़क पर लाकर छोड़ेगी। अब समझा, इस लड़की से रिश्ता तोड़कर के मोदी से रिश्ता क्यों जोड़ दिया? उसको मालूम था इस लड़की पर कर्जा है। ए बल्ले, हमारी बजाय तूने के मोदी का रिश्ता अमर के यहाँ करवा दिया। इन्होंने बिगाड़ है, अब यही बना के देंगे ना। कैसे? कैसे बना? बीके मोदी। कौन बीके मोदी? अबे तूने ही तो बताया था के मोदी का छोटा भाई है। हाँ, के मोदी का छोटा है, लेकिन उसका क्या? उसके पैसों का। उसके पैसों का क्या? हाँ आप ही ने तो कहा था कि वो बड़े भाई से पैसों में बड़ा है। हाँ हाँ वो कहा था मैंने, लेकिन उसका क्या? उसकी बेटी का। बेटी? उसकी बेटी की माँ भी होगी तो बेटी का क्या? बेटी की जिम्मेदारी दी ना कि आप शादी कराएंगे उसकी। वाह बल्ली, कुछ भी बोलो, कमाल के कंडीशन है तेरे। कंडीशन नहीं, कनेक्शन। अरे भाई भाई इनको मोदी साहब की कंडीशन तो बताओ। यस मैम। आया, मैं जाके प्रॉपर्टी चेक करता हूँ, देखता हूँ कितनी बड़ी है ये। डार्लिंग बल्ली, ये मोदियों की क्या कंडीशंस है? नहीं पर तेरी पार्टी है कहाँ? आप पाली को लेने एयरपोर्ट गई है। ये कहाँ से आया? आपने बुलाया है? आज आप दोनों को एक साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मामा जी, मेरी प्रॉब्लम ही दूर हो गई। अब आप दोनों ही फैसला कीजिए कि मैं किससे शादी करूँ। बेटी वीर को तो तुम भूल ही जाओ, तुम्हारी माँ कल मेरे सपने में आई थी और कहने लगी वीर मेरी संजना के लायक नहीं है, नहीं है। नहीं तो कन्फ्यूजन दूर, युवराज से होगी मेरी शादी। नहीं 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 बेटी, युवराज तो बिल्कुल ही नालायक है। तुम्हारी माँ मेरे भी सपने में आई थी, रोने लगी, कहने लगी भैया मेरी संजना की जिंदगी बर्बाद मत करना। आँसू भाव, आँसू। तो मेरा क्या होगा, सारी जिंदगी कुवारी रहूंगी? बिल्कुल नहीं बेटी, हम तुम्हारे मामा है ना, तुम्हारे लायक लड़का ढूंढेंगे। अच्छा शरीफ और नेक, तुम्हारी शादी धूमधाम से करवाएंगे। बेटी हम है ना? ठीक है मामा जी, जैसा आप लोग ठीक समझे। अच्छा।
हाँ इनसे मिलिए, ये हमारे छोटे भाई है वो बीके मोदी। हाँ बीके मोदी, वो देखो कौन है। अरे बल्ली कैसे हो बल्ली? हाय बीके, हाउ आर यू? एकदम फिट हो गए हो? लगता है भाभी जी के प्यार ने जादू कर दिया है। शकु भाभी कैसी हैं? हाँ एकदम फर्स्ट क्लास है, याद करती रहती बीके कैसा है केके कैसा है। वो सब तो ठीक है, मोदी साहब बच्चियां नहीं आई। बच्चियां? माकियां? क्या मतलब? नैना सुनैना? हाँ वो माँ की आँख के तारे है। नैना सुनैना दोनों कमाल है ना। क्या सोच रहे मामा जी? क्या सोच रहे? वो दूसरे मोदी को भी मैं पहचान नहीं पाया। ओ हो मामा जी, इसका मतलब ये बीमारी नहीं है, ये तो आपकी सोच है। मतलब मैं जो सोचता हूँ वो कैरेक्टर पैदा हो जाते हैं? हाँ पावर है, अदरवाइज हाउ इज इट पॉसिबल मामा जी? तो ऐसे सोच वाले इंसान को आप लोग क्या कहेंगे? इंसान तो नहीं कह सकते। मतलब मैं भगवान हूँ, ब्रह्मा, क्रिएटर, सृष्टि करता? अबे बल्ली, ए बल्ली, ये देखो देखो भगवान को भी कैसे कैसे बुलाते हैं बेवकूफ। क्या वो होश में? अब भाएगा मजा। चौधरी साहब कोमा से तो बाहर आ गया है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। कैसे नहीं बोलेगा बेटा? बता बेटा कौन था वो? बोल बता कौन था वो? बोल बेटा। हाँ कोशिश कर बोलने की, कोशिश कर। मामा जी ये आपकी तरफ उंगली क्यों दिखा रहा है? बल्ली इसका मतलब तू? मैं नहीं, मैं तो सेंटेंस में भी कोमा नहीं डाल सकता, इसको कहाँ से कोमा में डालूंगा? चौधरी साहब आपका बेटा अभी तक कोमा से निकला नहीं, उसका दिमाग घूम रहा है तो इसलिए अपनी उंगली इधर उधर घुमा रहा है। देखिए अब इनकी तरफ पॉइंट कर रहा है। चौधरी साहब आपके बेटे की हालत इतनी खराब होती जा रही है कि कहीं आप पे उंगली नहीं। आई कांट बिलीव इट, बेटा बाप को उंगली दिखा रहा है। आप लोग प्लीज बाहर जाइए, पेशेंट हाइपर होते जा रहा है। डॉक्टर मेरे बेटे को जल्दी ठीक करो क्योंकि जिस दिन ये कोमा से उठेगा कोई और कोमा में जाएगा। चलो चलो। दुनिया में कितना गम है और तेरा कितना कम है। तू बेहोशी की हालत में कुछ नहीं बोल पा रहा और ये पूरे होश में कुछ नहीं बोल पा रहा। हाउ सैड इज दिस एंड हाउ बैड इज दैट? कंटिन्यू। चले चले चौधरी साहब, मेहमानों के साथ लंच कर रहे हैं प्लीज। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है चौधरी साहब, किसके साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, किसके साथ लंच कर रहे हैं। चौधरी साहब मैं पूरे शहर में आपको ढूंढता फिर रहा हूँ और आप यहाँ पे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं। बैंक से प्रेशर आ रहा है, फोन पे फोन आ रहा है, क्या करना क्या है ये बताइए मुझे आप। अरे मोदी साहब आप यहाँ, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। भाभी जी लगता है आप यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने के लिए आई हैं। नहीं नहीं भाई साहब, वो हमारे बच्चियों की वो हो रही है, इन सालों के साथ शादी हो रही है, इन सालों के साथ। सालों के साथ? सूरज जी, हाँ जी, आपके इस साले वीर की शादी तो आपकी भांजी से होने वाली थी ना। भांजी? कौन भांजी? अरे ये क्या बैठी है संजना? ये तो बड़ी प्यारी बच्ची है, आप अपने यहाँ शादी न करवा के हमसे रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते हैं? जी दरअसल कुछ ऐसा हो गया था कि संजना की खुशी के लिए। संजना को वीर नहीं पसंद ना, तो चौधरी साहब ने शादी कैंसिल कर दी। ग्रेट पीपल्स। ये तो बहुत वो अच्छी 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 बात है। सब ये गलत भी तो है ना। देखिए भाई साहब, घर में एक जवान लड़की कुंवारी बैठी है और ये लोग इन सालों की शादी कर रहे हैं, गलत है ना? गलत बात? ऐसी बात नहीं है, चौधरी साहब इनके लड़का ढूंढ रहे हैं, जैसे कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा झट से शादी करा देंगे। आराम से ढूंढो लड़का, हम हैं चार दिन यहाँ पे। देखो पहले संजना की ही शादी होगी, बाद में हमारी बेटियों। एग्जैक्टली। लेकिन मोदी साहब। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बस ये समझ लीजिए कि ये हमारी वो है। शर्त है? शर्त है। हाँ। फिर शर्त? डोंट वरी, चारों चौधरी चार्ज हैं, चार दिन में चक्कर चला देंगे। ग्रेट पीपल्स, पीपल्स एवरीबॉडी जॉइन मी प्लीज। चौधरी का चाँद हो, जो भी हो तुम बुला के
क्लैप प्लीज। भाई साहब आपकी ये शर्तें सुन सुनकर कहीं चौधरी ब्रदर्स को हार्ट अटैक ना आ जाए। संजना की शादी की शर्त तो भाई साहब ने रख दी, लेकिन उसका दूल्हा हमारा प्रेम होगा, ये आइडिया तो उन्हें देना होगा। ये आइडिया देने के लिए ही तो शर्त रखी है। मगर ये लोग है बड़े खतरनाक, अगर उन्हें सच्चाई का पता चल गया तो। अरे माँ, खतरनाक तो एक ही है, लहरी जी। बड़ा सियाना है लेकिन ऑलरेडी इतना बड़ा झूठ बोल चुका है, अब अगर सच बोलेगा तो पहली गर्दन उसकी कटेगी। अच्छा तो ये मोदी परिवार नहीं प्रेम परिवार है। बलिदान बूथ बन के खड़ी है बेचारी, ठीक है इसमें मैं जान फूंकी देता हूँ। भाई साहब मैं आपको किराज की बात बताने आया हूँ। देखो यहाँ पुशअप कर रहा है तुम, है? नहीं, धरती नीचे धकेल रहा हूँ। चुप कर, पहले ये बता मैं कौन हूँ। मैं भगवान हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं हूँ कौन? तू पहला भगवान है जिसे इस इंसान ने बनाया है। अरे क्या क्या बना दिया है मुझे, अब तो मैं खुद भूल गया हूँ कि मैं कौन हूँ। अरे गजनी का आमिर खान हो गया हूँ मैं। देख ये देख, कभी सोचा है कितना डिफिकल्ट होता है पीठ पे लिखना? देख मुझ जैसे जीनियस आदमी से जिसने इतनी फेमस किताब लिखी, इतना बड़ा गेम खेला तूने? Give me the book, please. ये लो जीनियस। मेरे जीते जी तो मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। लेकिन मैं करूंगा भी क्या। बल्ले जी, चौधरी साहब बुला रहे हैं। जाइए, आपका बुलावा आ गया है। गड्ढे में मैं गोल्फ खेलना सीख गया। भैया आप तो कंचे भी ऐसे ही खेलते थे। नमस्कार सर। आइए आइए बलिदान जी, आइए। मुझे बुलाया सर? हमारा आपका बरसों का साथ। जी जी। क्यों नहीं इस साथ को रिश्तेदारी में बदल दे? मैं समझा नहीं कुछ। तुम्हारा भांजा प्रेम, हमारी भांजी संजना, शादी करवा देते दोनों की। नहीं ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती बे? तू नौकर हम मालिक, इज्जत रास नहीं आ रही है क्या? गुस्ताखी माफ, बट क्यों नहीं हो सकती शादी मामा जी? क्योंकि नमक खाया है, कभी ना कभी तो अदा करना पड़ेगा, है ना मामा जी? बस कर। क्या है कि वो लड़की पे 100 करोड़ का कर्जा है, वो भी वर्ल्ड बैंक का, वो कौन चुकाएगा? तू? हम दे देंगे, मोदियों से करोड़ों आने वाले हैं, 100-125 तुम भी रख लेना। 125 नहीं, 100 करोड़ कर्जे का अमाउंट। उसके बाद अगर आप अपनी बेटी को बिना जोड़े के भी भेजेंगे, हमें स्वीकार है। क्या बात है सुना? क्यों मामा जी, स्वीकार है ना? एक मिनट संजना बेटी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है मामा जी। मामा जी अगर इतने जोर से दांत पीसोगे तो टूट के गिर जाएंगे। चौधरी साहब एक समस्या है, ये जो लहरी है ना, ये हर जगह बोलते फिरते रहता है कि संजना शादी के दिन किसी लड़के के साथ भाग गई थी। अगर मेरे शादी के दिन किसी को ये बात पता चल गई तो मेरी मामा जी की नाक कट जाएगी। कैन यू प्लीज टेक केयर ऑफ दिस लहरी सिचुएशन? अरे देखो लहरी कहाँ है, लेके आओ उसे। जी चौधरी साहब। संजना को कौन लेके भागा था? ये क्या पूछ रहे हो आप? मैंने फोटो दिखाई तो दी आपको। झूठ बोलता है, संजना को ये लेके भागा था। सही कह रहे हो आप, ये ही लेके भागा था। मुझे माफ कर दो, मैंने झूठ बोला था, इसी को लिफ्ट दी थी मैंने। आज के बाद सबको यही कहना, समझा? अब तो खुश हो ना बेटा प्रेम। जी चौधरी साहब। लहरी जी, आपको पता नहीं कि आपने मामा जी और चौधरी खानदान के पीपल्स के ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। भगवान आपको जरूर स्वर्ग भेजेगा। मुबारक हो बल्ली, तुम तो इनके ये बन गए, क्या वो समधी बन गए। अरे मोदी साहब, आप ही ने तो आइडिया दिया था, वरना हमारे दिमाग में ये बात कहाँ से आती? ये लीजिए। अरे आपने खामखा क्यों ये की तकलीफ? तुम खाना खा लो, सब साथ खाते ना। नहीं, हमें पता नहीं कितना वक्त लगेगा, तुम क्यों हमारी खातिर वो रहोगी है, भूखी? जाओ खाना खा। ठीक है, आई लव यू। का
कमाल है मोदी साहब, आपके यहाँ औरतें मर्दों से पहले खाना खा लेती हैं। हमारे यहाँ तो जब तक हम ना खा लें औरतें भूखी मर जाएंगी मगर खाने को हाथ नहीं लगाएंगी। गलत बात है भाई। देखो ये औरतों की दुनिया बहुत ये होती है, छोटी होती है, हम ही से शुरू होती है और हम ही पे खत्म हो जाती है। घर बार बाल बच्चे इन्हीं में वो रह जाती है, क्या कहते हैं, बंदी रह जाती है। इसलिए हमारी फर्ज है कि हम उनका ख्याल रखें, उन्हें प्यार करें, उन्हें हमेशा वो रखें, खुश रखें। राधिका बहुत पसंद है। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम खाना खा लो। अबसे पहले तो क्या हुआ, मैं रात भर बैठ के शराब पीऊंगा तो तुम क्या सुबह तक भूखी रहोगी? ये आज आपको क्या हो गया जी? प्यार, I love you। Sorry। शालू। शालू। हाँ शालिनी, अब मैं तुम्हें हमेशा शालू कहकर ही बुलाऊंगा और आज से तुम मुझसे पहले खाना भी खा सकती हो। ऐसा क्यों? क्योंकि I love you। Thank you। सब प्रेम दिखाई नहीं दे रहा है। तो संजना भी किधर दिखाई दे रही है? दोनों जो चाहते थे वो तो हो गए, बस बैठोगे सारे कोने में चोंच लड़ाते हुए तोता मैना। हाँ तो इसमें बुराई क्या है, दोनों ये करते एक दूसरे से प्यार करते, शादी होने वाली है, चलो चलो खाना 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 खा लेते चलो। अरे वो देखो प्रेम और संजना भी आ गए, चलो दूल्हा दुल्हन भी आ गए। मैं एक अनाउंसमेंट कर ही देता हूँ, मैंने तय कर लिया है ये शादी नहीं होगी। हाँ क्या क्या? फिर से मामा जी को शराब के बाद 100 करोड़ का लूप लग गया होगा। ए बल्ली, ये क्या बकवास कर रहा है तू? चुप चुप साला, बल्ली बल्ली करके मेरी बल्ली चढ़ा रहा है तू? शादी नहीं होगी। अगर मामा जी चाहते हैं कि शादी नहीं हो तो मामा जी के होते हुए अनाथों की तरह मैं शादी नहीं करना चाहता। तू कब से अनाथ हो गया झूठे? ये है ना तेरा बाप, ये 3-पीस सूट में इस्त्री टाइट खड़ा है। अब आबा ठीक है बलि, तू अगर उसे वो तोड़ रहा है ना तो मैं उसे वही जोड़ूंगा। क्या रिश्ता? आज से मैं तुम्हारा बाप हूँ। और मैं तुम्हारी माँ। मैं चाचा। और मैं चाची। रिश्तेदार कम पड़ रहे हो तो भाई हम भी कुछ बन जाएं। तू क्यों कुछ भी बनेगा, तू तो है ना चाचा, तो फिर फिक्स रखो ना। तो फिक्स हो गया, आज से मैं बड़ा चाचा। और मैं बड़ी चाची। ये लो, ये सब सच बोल रहे हैं। अरे सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है साले चौधरिया। ये जो भी है जैसे भी है कैसे भी है मेरे मामा है, थोड़ी चढ़ गई है, मैं समझाता हूँ। मामा जी देखो कितने रिश्तेदार बन गए, एक मामा कम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ मामा जी, एक तरफ आपकी अर्थी उठेगी और दूसरी तरफ मेरी डोली, मगर ये शादी तो होगी। तो फिर मैं शादी की तैयारी करता हूँ। कर दिया मेरा आशिकों में ऊंचा नाम कर दिया, ओ इश्क ने मेरे ये कैसा काम कर दिया मेरा आशिकों में ऊंचा नाम कर दिया। क्या कर गई
लगती है सितम क्यों मेरी मेहरबानियां, हर जुबान पर अब तो बस यही है कहानियां। देखो मेरी अदा भी आज क्या कर गई, देखो मेरी अदा भी आज क्या कर गई, यहाँ जितने भी दिल हैं तबाह कर गई, मेरी अदा भी आज क्या हो गया, चैन खो गया दिल का भी तो नुकसान हो गया, देखो मेरी अदा भी आज क्या कर गई, देखो मेरी अदा भी आज क्या कर गई, यहाँ जितने भी दिल हैं तबाह कर गई, मेरी अदा भी आज क्या। घर वालों की तरफ से ये नेकलेस दिखाने आया हूँ या संजना को देखने? आप सबको मुबारकबाद देने आया था, आपके घर में पहली लव मैरिज हो रही है ना? आर्यन, सही दिन हॉस्पिटल से बाहर निकला तू। चल तुझे संजना के होने वाले दूल्हे से मिलाता हूँ, आजा। तुझे रेडी नहीं होना? रेडी, आई एम एवर रेडी। आ संजना। प्रेम, देख कौन आया है। इसने मुझे गाड़ी छोड़ा, इसी की वजह से मैं कोमा में गया। संजना को लेकर भागने वाला भी यही है। देखो वीर, युवराज, संजना और प्रेम एक दूसरे से प्यार करते हैं। यानी कि सब लोग प्रेम से मिले हुए हो? तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, पहले तो हम तेरे से निपटेंगे। बहुत ज्यादा उड़ रहे हो, उड़ने का बहुत शौक है। हाँ है। क्या कर लेगा तू? कुछ नहीं बॉयज, बस तुम्हारा शौक पूरा कर। कहाँ रखूं? इस साली की असलियत जीजा जी को बतानी पड़ेगी। अबे असलियत नहीं बेवकूफों, नकलियत। जिंदगी में तीन चीज कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, आए Me and myself. Huh? Thank you. जिसके पास फैमिली सपोर्ट है उसे कोई डिपोर्ट नहीं कर सकता। अबे मैं उनमें से हूं जो मछली को डुबो के मार सकता हूं, तो तुम तीन चीजें क्या हो? जावीर, जयवराज, मैं देखता हूं तुम्हें कैसे रुकता है। ए, चल रहे। चल, चल। कोमा से उठने के बाद भी सो रहा है, तुझे तेरा नाम याद है? आर्यन। आर्यन, जरा फ्लैशबैक में जा और देख तेरा क्या हाल किया था मैंने। कहां
आ गया वो तुम्हारे सामने से तो गया। अरे मोदी साहब, अरे मोदी साहब, क्या हुआ मोदी साहब? उसका भी तो प्रेम की असलियत बाहर आ गई। अरे वो बल्ली का क्या बोलता है, वो भतीजा भतीजा नहीं है वो तो? अबे तो ये कौन सा मोदी शो दिए, ये मेरा सगा चाचा है कपूर। चाचा? हाँ चाचा पकड़ सालों को, देख लेंगे देख लेंगे। तुम अंदर संभालो, लेडीज को मैं को देखता हूं। संभाल के। अरे ये सांड, मैं मोदी हूँ, मैं मोदी हूँ, मोदी हूँ। चलिए भाई चलिए। चाबी चाबी किसके पास? सुनो चाबी मेरे पास है। चावल जिंदाबाद। सॉरी ओए बाप, काय काय, थैंक यू, कॉल मी, नो पी मी पी देम। अरे ए बंद करो ससुर नूडल। संजना को देखकर अपनी बहन शिवानी की याद आ गई। हाँ भैया, कितनी खुश लग रही है हमारी संजना। इस हनी के लिए तुम्हें मून तक जाने के लिए तैयार हूँ। क्या चाचू? हाँ, इसको देखकर ऐसा लगता है कि मेरे को बादाम वाली दूध की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वो होता ना वो कस्टम। हाँ लेकिन मुझे वो कस्टम की आज तक वो नहीं पड़ी है, जरूरत नहीं पड़ी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय हरि हरि सर्व मंगल मंगल। रोक दो ये शादी। लवली पीपल्स, कोई तो इसे रोक लो। अरे बेटा तुम हॉस्पिटल से? लेकिन तुम लोगों की ये हालत की किसने? इस धोखे पास प्रेम ने।
इतना बड़ा धोखा हमारे साथ? ऐसा क्यों किया हमारे साथ? क्यों? चौधरी साहब, ये संजना की माँ की इच्छा थी और उस इच्छा में एक विश्वास था। इच्छा ये थी कि आप दोनों संजना की शादी कराएं, उसे आशीर्वाद दें, और विश्वास ये था कि इस शादी की वजह से आप दोनों भाई फिर से एक हो जाएंगे। यानी हम दोनों को सच में ही मामा बनाया? 500 करोड़ का चूना, यानी कि ये मोदी वोदी नहीं है। और ये बड़े चाचा और ये छोटे, ओ बड़े ढक्कन, ओ छोटे ढक्कन, मैंने तो पहले ही कहा था, सुनी ही नहीं तुमने। और मेरी भी कहा सुनी? हाँ तो आप सुना दे। नहीं नहीं, आप ही सुनाओ। आप लोगों को ऊपर वाले ने भेजा तो भेजा, लेकिन भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। अरे लड़के की अच्छाइयाँ देखकर भी आप लोग चेंज नहीं हुए। लेकिन मैं चेंज हो गया हूँ, और आज से मैं प्रेम का सच्चा मामा बन के दिखाऊंगा। देखता हूँ कौन मेरे भांजे को हाथ लगाता है। आप आगे। तू मेरे भांजे को हाथ लगाएगा? नहीं नहीं, मैं तो हाथ मिलाने आया हूँ सर। सर जी, मैं इनकी पार्टी में रहकर आज तक गाड़ियाँ धोता रहा, लगता है आपकी पार्टी में आकर एक दो बंदे तो मैं धो ही दूंगा। वाह वाह। चलो शुरू करते हैं धोबी गाड़गिरी। हम पांच पांडव और तुम दो शकुनी मामे। अबे गेंडे अमर चौधरी, तू इन लोगों की फाइट में दब जाएगा, इधर आ। बेवकूफो, देख क्या रहे हो, उड़ा दो सालों को गोलियों से। हम शादी में आए हैं। हम नफरत के नहीं, प्रेम के साथ है। प्रेम ने हमें बदल दिया है डबल पैसे देकर। चलो भाड़े का टट्टूस। अरे ए नमक हराम। बेटे प्रेम, तू लगा रहे, बीच में वो छोड़ना अशुभ होता है। वो फेरे 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 पंडित जी, जल्दी शुरू करो वरना पिताजी इन पार्टी पिट जाएंगे। आओ पकड़ो, चलो। तेरा वर्ल्ड बैंक बंद करवा दूंगा। ये ठीक रहेगा चौधरी। ये तो टू मच है। बीवी दूसरी मिलेगी, बाप दूसरा नहीं मिलेगा। आज पहली बार किसी औरत ने समझदारी की बात की है। जाओ प्रेम। अच्छा मौका नहीं मिलेगा शर्ट उतारने का, दिखा दे अपनी बॉडी। नहीं दिखाएगा। क्यों? मोटा हो गया है, मोटा। हाँ? आ,
कोई तो रोक लो। मजा आया? चौधरी साहब, मैं यहां रिश्ते जोड़ने आया हूं, हड्डियां तोड़ने नहीं। और वैसे भी हमारे यहां सीनियर सिटीजन को आंख उठाकर नहीं देखते, तो हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है। चिलैक्स चौधरी साहब, चिलैक्स। देखा, इसे कहते हैं संस्कार। लेकिन आप इस शब्द के मायने से कोसों दूर हैं। हाँ, आप तो सिर्फ लालच, खुदगर्जी और बेईमानी के मायने जानते हैं। मेरी मरी हुई माँ, अपनी बहन तक की भी परवाह नहीं की आपने। पैसों के लिए और कितना गिरेंगे आप लोग? बिल्कुल सही कह रही है मेरी बच्ची। एक तरफ ये लड़का है जो अपनी होने वाली बीवी के लिए कुर्बानियां दे रहा है, और दूसरी तरफ तुम लोग हो जो बरसों से अपनी बीवियों से कुर्बानियां लेते आ रहे हो। शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। लानत है तुम लोगों पर। अब बुढ़े सटिया गया क्या? पिताजी उठिए, पिताजी। खबरदार, बाप है हमारा, हाथ लगाएगा तो हाथ काट देंगे। और बदतमीजी करी तो मुंह तोड़ दूंगा। झूठ इसने बोला, धोखा इसने दिया सबको, और अब हमको। अरे ये मोदीज भी नहीं है। नाम से क्या होता है बेटा, इंसान काम से जाना जाता है। और फिर हमने ऐसा कौन सा चौधरियों वाला काम किया है? हमने तो उल्टा चौधरियों का नाम डुबोया है। असली चौधरी तो ये हैं। नहीं जी, हम कपूर से ही वेरी सेटिस्फाइड हैं। अरे कहेगा चौधरी, इसे तो हमको लड़वाया। जीजा जी, हमें इसका बदला लेना चाहिए। किस बात का बदला लें? हमें जानवर से इंसान बनाया इसने, इस बात का बदला लें? रिश्ते बदलते बदलते इसने हमें बदल दिया, इस बात का बदला लें? बरसों से हम दोनों भाई दुश्मनी निभाते आ रहे हैं, लेकिन आज हमारे पिताजी को धक्का लगा तो हम दोनों बेटों के दिल को धक्का पहुंचा है, इस बात का बदला ले। अरे इस परिवार से तो हमें सीखना चाहिए, अपना होने से कोई अपना नहीं होता, अपनों को अपनाने से अपना अपना होता है। यहां सर, हम कान पकड़ते हैं, आज से ना कभी गुंडागिरी में आगे रहेंगे, ना पैसों के पीछे भागेंगे। एंड वन मोर थिंग सर, मोदी साहब, आपका ओरिजिनल हेड नेम है क्या? कपूर। कपूर साहब, प्लीज फॉरगिव अस एंड अपनाउ अस। हमारी बच्ची के साथ हमें भी मैरिज फोटोग्राफ में शामिल कर लीजिए प्लीज। प्लीज हमें चौधरी प्लस कपूर इक्वल टू चपूर। चपुरायन, हाय चपुरायन, कोई तो रोक लो। रेडी रेडी। प्यार जताऊंगा रे।
रख